की दवा, मुंगी की दवा, चूहे की दवा, घूस की दवा, चलो आ जाओ लेके जाओ, चलो जुआ की दवा, चांद जुआ की दवा, चलो आ जाओ दवा लेके चले जाओ, ए दवा वाले दवा, ए दवा ले लो दवा, ए जानी। अरे रानी क्यों बुलाई रे, तेरे घर में वापस मुंगिया हो गया क्या? अरे नहीं रे जानी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आता, तू हमेशा ये मर गया वो मर गया, पता नहीं क्या क्या मर गया, यही दवा बेचता है, कुछ और धंधा नहीं सुझता क्या तेरे को? ऐसा दूसरा धंधा करूँ? नए धंधे बारे में तू सिखाएगी मुझे? गांजा बेचू, चरस बेचू, अफीम बेचू, दारू बेचू, कह रहे? अरे बाउली अपने खानदेश में ना चूहे, मुंगिया, कॉकरोच, बड़े बड़े घुस ज्यादा हो जाते ना, अरे साल भर का सीजन रहता, इसीलिए मैं धंधा कर रहा। अरे जानी मेरे को एक बात बता, क्या सच में इससे चूहे मरते? अरे इंसान खा लेंगे ना, इंसान मर जाएगा तंगड़ा झटक के, चूहे की तो अलग ही बात है। तू मेरे को एक बात बता, तू मेरे से शादी कब कर रहा? मेरे बाबा को ना राजी होने दे, फिर मैं तेरे से शादी कर लूंगा ना। अरे इसका मतलब तेरे बाबा जब तक हाँ नहीं बोलेगा तू मेरे से शादी नहीं करेगा? अरे मेरे बाप रे, अरे सुन तो सही, अरे राली, अरे मैं मेरे बाबा से बात करता, मेरे माँ से बात करता, अबे तू जहर खा के मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं अकेला साठ के रहता घूमूंगा, इसलिए मैं तू समझा रहा। अरे सुनना, ए सुनना, तेरी मेरी शादी होगी ना, ए सुनना, ए बाउली सुनना पहले, अरे पहले सुन तो सही, पहले सुन मेरी बात सुन। देख अपनी तेरी शादी होगी ना, अपने सात आठ बच्चे होंगे, देख कर मालूम है शनिवार सोमवार मंगलवार, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे, अपन मस्त छोटा घर लेंगे, अपन सौदार करेंगे, मैं तेरी माँ को पटा लूंगा, तेरी बहन को पटा, तेरी माँ को नहीं तुझे पटाऊंगा। अरे मेरे बाप, मैं तेरी माँ से बात करूंगा, मेरे बाप से सुन ना मेरी बात, दवा वाले भैया रानी सुनना, अबे दवा वाले भैया क्या बे? अरे क्या हुआ, क्यों बलिदान डाला ललती तू? ए पहले मैं परेशान है, निकल यहाँ से। अरे मैंने क्या किया दो तू मुझे हटा ला, अबे मैंने तिले इतना ही बोला ना, क्यों ललती तू बलिदान डाला? ए तोतले तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता, मैं तेरा पाँव पड़ता, तू जा तो ऐसे निकल तो। अबे तू मेरे हाथ पैल क्यों बल ला बे? अबे मैंने दिलीप इतना ही बोला ना कि वो ललती तू बलिदान क्यों डाला? अबे तोतले मैं इसको परेशान नहीं कर रहा, ये मुझे परेशान कर रही और चूहे की दवा खा के वो मरना चाहती क्या? हाँ, एक खटमल की दवा ले लो, चूहे की दवा ले लो, एक मुंगी मारने की दवा, खटमल मारने की दवा, चूहे मारने की दवा, घुस मारने की दवा, नहीं एक पैकेट चुरन दे दो। मैं चूहे मारने दवा बेच रहा, चुरन नहीं बेच रहा रे जानी, मेरे को मालूम है, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा इधर कह रहे लंबा पानी, मैं तेरा मजाक का दिख रहा, कह रहे तू मेरी मजाक कर रहा? ए जानी ये 10 रुपया और चूहा मारने की दवा दे। ऐसा ये ले पकड़, पहले भूखना था ना ऐसे। जानी इसको कैसे खिलाने का, दूध से क्या पानी से? अरे वो आइडिया भी ले रहा तू मेरे से? अरे घर में सब तेरे रिश्तेदारी ना, एक काम कर चूहे को ना पानी से खिला और दूध से तू खा के सो जा। ए झुंगर मारने की दवा, सिपलक मारने की दवा, चूहे मारने की दवा, ना मैं इधर आ रहे। कह रहे जानी रानी तेरा बहुत देख रहा, तू छेड़ रहा उसको? अरे रानी को छेड़ रहा तो क्या हुआ, तुझे मालूम है रानी किसकी है? रानी मेरी है, उससे मेरी शादी होने वाली है। अरे शादी हुई नहीं ना अभी, जब तेरी शादी होगी ना जब का जब देखा जाएगा। ऐसा तू जाने से मुझे ला रहा है तेरी तो? अबे ऐसा जब पटकूंगा ना मैं टिकूंगा नहीं, ना मैं ये कौन है उसकी जैसा मालूम है, चैन के डालूंगा, क्या समझे तू? रानी मेरी है और मेरी नहीं है, मैं तो मालूम है ना, कहा फेंक दूंगा ना तुझे। अभी उसके साथ देखना मत, देखेगा भी ना वो बुरा कर दूंगा। शादी तो ना मैं टिकम करेगा, तू जो करने का वो कर ले जा। रानी मेरी है, मेरी रहेगी, मैं उससे प्यार करता, मैं आखिरी बार समझा रहा तुझे। जाने मेरी दो गाला उतर जा, इतनी गाली उतारने में मजबूर मत कर, देख लेगा जब के जब। अरे जा क्या देखेगा, रानी खाली मेरी है, मैं उससे प्यार करता, उसके तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगा रानी। एक खटमल की दवा ले लो, चूहे की दवा ले लो, सिपलक की दवा ले लो, दवा ले लो, खटमल की दवा ले लो, चूहे की दवा ले लो। कौन मारा ना पत्थर, वो देख रहा भी नहीं ना। चले खटमल की दवा ले लो, चूहे की दवा ले लो। Oh no! क्या रे? ए चूहे रुक!
रुक 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 र
जानी तूने मोटू को मारा पूरे अंदाज में, वो मोटू पीके छोड़ेगा नहीं। तूने मोटू को मारा पूरे अंदाज में। चुहे की दवा ले लो, सिपलग मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो। क्या बुरा बुरा मारा रे उसने मुझे। चूहे को पत्थर मारने लगा, हाथी को पत्थर लग गया। काका नहीं मार। क्या रे जानी, चूहे मारने की दवा बेच रहा क्या? अबे इतने बड़े बड़े आगे है ना, दिख रहे नहीं क्या? फुटू लगे लेना सब दवा पे। ऐसा हाँ, एक दवा दे दे चूहे मारने वाली मेरे को। कितने की है ये? दो है ले, 20 रुपए दे। ये ले, ये 20 रुपए ले। बाकी इससे पूरे गांव के चूहे मर जाएंगे ना। अरे गांव की क्या बात कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के चूहे मर जाएंगे। और तेरे घर में जो बचल बुचल होंगे ना, उनको भी खिला दे, वो भी मर जाएंगे। जा तो बाप रे, मोटू ने कितना उतना बुरा बुरा मारा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ा जानी। वहां भी बहुत बुरा मारा रे। चले चूहे मारने की दवा ले लो, सिपलग मारने की दवा ले लो, मुंगा मारने की दवा ले लो, चलो ले लो दवा ले लो। चलो काकू औषध घूम गया। अबे नींद खराब कर दिया ना, इतनी स्पीड स्पीड चिल्ला रहा। अबे घर पे जाके सोना, धंधा पानी करना कि नहीं, कि तेरे बाप की जगह तेरे बाप का रोड़ेगा। कह रहे तेरे बाप को, कि तेरे बाप का कह रहे है। अरे मेरा बाप रे, अरे मना कर ना इधर, अभी दोबारा मारना मत, पहले समझ ले। अरे क्या रे, कब से बंदा कर रहा कर रहा। अरे मेरे बाप, बाप रे बाप, बहुत डेंजर कुत्ता है ये, जहरीला बहुत बगड़ काटा रे। ए खटमल मारने की दवा, ए चूहे मारने की दवा, घुस मारने की दवा, ए सिपलग मारने की दवा। क्या है जाने, तेरे पास कुत्ता मारने की दवा है क्या? कुत्ते मारने की दवा नहीं, क्यों? रात भर गली में कुत्ते बहुत भोकते, मेरी नींद नहीं होती। ऐसा तुम्हारी नींद नहीं होती? हाँ, ऐसे कुत्ते मारने की दवा पूछ रहे क्या? मैं अच्छी दवा देता हूँ तुमको, सीधे मेडिकल में जाओ, कपास ले लो, दोनों कान में कपास डाल लो और रात भर सो जाओ। कपास क्या, कुत्ते में कुछ भी बेचता, कुत्ते मारने की दवा बेचा कर। आदमी मारने की दवा है तू क्या? सफेद दाढ़ी वाले खराब कर रहा यार, आ जाता है सफेद दाढ़ी वाले भी कहीं से। क्या रे जाने, तूने मेरे को काहे के लिए बुलाया? रुक रानी, आ जा इधर, आ जा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। तो तूने मेरे लिए क्या किया? रानी मैंने देख तेरे लिए क्या लाया। अरे जल्दी बता ना। क्या बात है जानी, आजकल तू मेरा बहुत ध्यान रखता है। तेरे से मेरी शादी होने वाली ना, इससे मुझे तेरा ख्याल रखना पड़ेगा रानी। ला उंगली ला। अरे जानी ये तो बहुत छोटी अंगूठी है। अरे अंगूठी मैंने लाया ना, तो मैं डालता ना अंगूठी। रुक जरा मुंह बंद कर। योगा छोड़ मेरा हाथ। रुकना। अरे रानी हिल तू, पहले दान तल्ला। अबे ते तू थमदाया ना, मैंने हिलो लाल दी तू, पहले दान तल्ला तू। अरे फिर तू आ गया क्या, चल निकल ऐसे रे। अबे मैंने क्या दिया, अबे मैं तो दिलीप इतना ही बोल रहा ना, कि वो ललती तू पहले दान मत तल। क्या रे तोतले, कौन से जन्म का बदला ले रहा तू मेरे से? जब भी मैं लड़की को मिलने आता, तू चले आता यहाँ पे। वो लड़की को परेशान मत कर, परेशान मत कर। अरे मैं तेरा हाथ जोड़ता बापू, तू यहाँ से चले जा। अबे मैं तो इतना ही बोल रहा ना, कि वो लड़की को पहले दान मत तल। ए तोतले इधर लाना। क्या बोल रहे बेटा? तेरे को समझ में नहीं आता है? जब देखो जब बीच में आ जाते, जा इधर से निकल, दोबारा हम लोग के बीच में नहीं आना। हाँ अबे एली, अबे तेली मदद तल्ला दादा, मैं कहीं बोलते यार लोग इतनी मदद नहीं तल्ला। जमाना बहुत खराब है। अरे अरे जमाना नहीं खराब है, तू खराब दिख रहा मुझे। जब भी हम प्यार की बातें करते क्या, बड़ा मुंह लेके आ जाता यार। अरे हवलदार साहब, मेरी जवान बीबी मर गई, क्या बताना तुमको। अरे मिल्या, ओ बिल्लू।
सब ठीक हो जाएगा, सबर रख। अरे काय का सबर से काम ले, मेरे को रोटियां पका के कौन खिलाएगा? तू सिर्फ मेरे को इतना बता, एक चूहा मारने की दवा तूने लिया कहाँ से था? अरे तो रिकामटे बात काय को कर रहे, चलो मैं बताता तुमको। चले खटमल मार लो, चूहा मार लो, घुस मार लो, चांजुआ मार लो, चले जानी दवा वाले। हवलदार साहब, यही है जानी, इसके पास से मैंने चूहे मारने की दवा लेके गया था। अरे जानी, चूहे मारने की दवा तेरे पास से ले गया था क्या? हाँ, चूहे मारने दवा मैं तो बेचता पूरे कांदस में। तुमको भी होना क्या दवा चूहे मारने की, सिपलक मारने की? नहीं, मेरे को तो दवा नहीं होना। अरे तुम्हारे पुलिस स्टेशन में घुस उंदिर उंदिर धाले असल माथे कडून घेऊन जा। अरे नहीं, मेरे को होने ही नहीं तेरे पास की दवा। क्या दादा, मैंने सोचा तुमने नया गिराक लाए। अरे उसने नया गिराक नहीं लाया, तुमने जो चूहा मारने की दवा उसको दी थी ना, उसकी औरत खाई और मर गई। क्या? मेरे बाप रे, कब से मैं बैठा यहाँ पे, कब से इंतजार कर रहा मैं तारा का। हाँ बेटे बेटे, मैं बोर हो गया। हाँ? अभी तो को आई नहीं। अरे तारा आ गई। अरे वाह, तारा आ गई, तारा आ गई। आजा आजा तारा। तारा तू मुझे आता हुआ देख के बंदरों की तरह क्यों छल रहा है? अरे तारा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता, मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरे खानदान की कसम। अच्छा जानी, तू मुझसे इतना प्यार करता है ये बात मुझे आज पता चला। तारा, तू मेरे से कितना प्यार करती रे? मैं ना तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, तू पहले मुझे थप्पड़ मार, जोर में थप्पड़ मार, जब मुझे यकीन आएगा तू मेरे से प्यार करती। मैं तुझे थप्पड़ मारू, पागल है क्या तू? अरे तारा तू सुन ना, मुझे थप्पड़ मार, अरे मुझे थप्पड़ मार, ये ले, जब मुझे यकीन आएगा तू मेरे से बहुत प्यार करती, मार थप्पड़। ये ले। अरे जानी, अरे जानी तुझे क्या हुआ? उठ, खुद ही बोला थप्पड़ मारने। हाँ? और फिर मैंने थप्पड़ मारा तो ये बेहोश हो गया। हाँ, हाँ। अब क्या करूं? तारा, क्या थप्पड़ मारी तूने? अब मुझे यकीन हुआ तू मेरे से बहुत प्यार करती। ए तारा, चल ना अपन दोनों शादी कर लेते बा। जानी, अगर तुझे मुझसे शादी करना है ना, तो तुझे मेरे भाई मोटू से मिलना पड़ेगा। अरे बाबू, मोटू से? हाँ, वो हाथी से दिखता, वो बड़े बड़े पाँव, इतना बड़ा पेट है। अभी शादी की बात उससे करना पड़ेगी। जरूरत पड़ने पे लोग गधे को भी बाप बना लेते, वो तो सिर्फ हाथी है। गधे को बाप बनाने से बेहतर तेरे हाथी को साला बना लेता, और उससे शादी की बातचीत कर लेता, कल ही उससे जाके मिलता मैं। क्या बोलती पब्लिक? अरे बाप रे, अत्ती बॉल खेल रहा, इसे तो सर्कस में रहना था। चलो बैठते उसके पास आप। और मोटू भाई ठीक है ना? अच्छे अंदाज में क्या काम निकाल रहे ये बोल। अरे मोटू भैया, तुम्हारी जो बहन है ना तारा, मैं उससे बहुत प्यार करता खराब अंदाज में, और शादी करना चाहता अच्छे अंदाज में। मेरी बहन तो शादी करेगा? हाँ। तारा दीदी से? हाँ। एक मिनट उससे पूछन दे। तारा दीदी, तारा दीदी। क्या बात है मोटू भैया? तारा दीदी ये बोल रहा तेरे शादी करेगा और तेरे बहुत प्यार करता, तू भी उससे प्यार करती क्या? हाँ। ऐसा देखो मोटू भैया, तारा भी मेरे से प्यार करती, मैं भी उससे प्यार करता। हाँ? और अच्छे अंदाज में हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बोलते मोटू भैया? तेरी और तारा की शादी ना एक शर्त पे हो सकती, तू 1,00,000 रुपए दान देगा ना तभी शादी होगी। कमाल है। अरे मोटू भैया, अरे लड़की वाले लड़के को दहेज देते। हाँ? ये तो उल्टा पसारा फैला दिया तुमने, मेरे से 1,00,000 रुपए मांग रहे तुम। जानी मैं वो सब नहीं जानता, मेरे बाबा ने मरते वक्त बोले थे, बेटा अगर जो जायज में 1,00,000 रुपए देंगे ना तो तारा की शादी उससे कर देना। हाँ। बाप रे, मरने वाला मर गया, बीच में मुझे अटका दिया, क्या बड़ी मुसीबत है। अरे मोटू भैया एक काम करो ना, 1,00,000 ज्यादा होते 50,000 में करो ना। जानी चलो यहाँ से, मेरी बहन को सब्जी तरकारी की दुकान बन दिया क्या? 1,00,000 बोले तो 1,00,000 वो भी अच्छे अंदाज में। ओ तारा, तू टेंशन मत ले, मैं 1,00,000 रुपए लाऊंगा और ये तेरे मोटे भाई के मुंह पे फेंकूंगा, ये भी जानी का वादा है। 1,00,000 रुपए लेके आऊंगा और तारा को लेके जाऊंगा। अरे जानी एक बात बता ना, तू उस मोटू के पास गया था ना तेरी शादी की बात करने, तो क्या हुआ? तुझे मालूम है ना मैं तारा से बहुत प्यार करता, बाकी तारा के घर गया मैं और उसके भाई से मैंने बातचीत किया, देख बोला तेरी बहन से मैं बहुत प्यार करता, वो भी मेरे से ज्यादा प्यार करती, और वो क्या बोला मालूम है?
1,00,000 रुपए लगेगा, ये भी मेरी बहन की शादी तेरे साथ कराऊंगा बोले। अबे मगर जानी तू 1,00,000 रुपए लाएगा कहाँ से? वही तो सोच रहा मैं आइडिया, मैं लोगों के ना पाकिट मारूंगा और 1,00,000 रुपया कमाऊंगा और वो जो मोटा है ना हत्ती उसके मुंह पे फेंकूंगा और तारा से शादी कर लूंगा। है क्या नहीं दिमाग अपने को? वो देख एक आदमी आ रहा उधर से, उसका पाकिट मारता मैं अभी। हाँ मेरे बकरे धीरे 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 धीरे। हेलो भाई साहब, मोबाइल में बात करते रहेंगे क्या? $1 उठाओ। अरे बकरे का पाकिट मार लिया जानी ने, ऐसे पाकिट मारूंगा और ढेर पैसे जमा करूंगा और हत्ती के मुंह पे फेंकूंगा और तारा से शादी करूंगा। अरे हाथ की चलाकी बोलते चलाकी, जानी नाम है मेरा। अबे जानी तू इतने डामरे डामरे बाता कर रहा, पहले वो पाकिट में पैसे तो चेक कर। अरे जानी ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहले तो इसमें चेक तो कर 5,000-1,000 है कि नहीं। अबे जानी तेको पहले याद ना, एकदम लुक्का लगा। अबे ओके, कभी कभी राउंड नंबर लग जाता, मिलेंगे एक आधा बकरा। ये बकरा आ रहा देख, इसके पास बहुत मालूम है मेरे अंदाज से। अरे हाँ जानी, देख ना कितना डांस करते हुए आ रहे, जरूर ना उसके पास इतने सारे पैसे होंगे। वो डांस कर रहा बेटा, ऐसा पाकिट मारूंगा घर पे जाके तू रोते बैठेगा। ले पकड़ खाली पाकिट, धमाके चलेगा, 1 डॉलर भी नहीं छोड़ा। मेरे बाप रे बाप, कट जाएगी फिर जानी ने काम बताया है। कहता है जो कर सारा जमाना, हसी हसी दत आधा फसाना, चश्मा उतारो दुनिया नहीं है, चेहरा एकदम बंगार है। अरे आप क्या जाने ने कमाल, पैसे पैसा भी। अरे सब्बत क्या दिख रहा, चिट्ठी मुझे तो पढ़ते नहीं आता, पढ़ दो। अरे जानी इसमें लिखा है कि अरे पाकिट मारने वाले, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी छोटी छोटी 2 बीवी है और 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर हो सके ना तो मेरे पाकिट में 1,000 रुपया रख के मुझे वापस देकर जाना, तेरी होगी बहुत बड़ी मेहरबानी। अबे जानी, अबे क्या हुआ, क्यों रो रहा? अरे मैं उसकी लाइन लेने गया और उसने मेरी लाइन लेके चले गया। अरे जानी ऐसे से ना तेरे पास पैसे कभी जमा नहीं होंगे। हाँ कभी जमा नहीं होंगे। अरे मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा, मैं बधिर हो गया। अबे जानी मेरे पास ना एक आइडिया है। अरे आइडिया फिर बोलना जल्दी। अपना राजू दादा नहीं है क्या? हाँ। उसका छोकरा है चिंटू। हाँ। तू उसको किडनैप कर ले, उसके पास बहुत पैसे है, तू 1,00,000 क्या 2,00,000 का भी डिमांड करेगा ना, तेरे को एकदम झट से पैसे ला के दे देंगे। क्या बात कर रहा, अरे पहले बोलता था ना ओके, अरे मेरा जी ऐसा बोल रहा ना मैं तेरी पप्पी ले लूं, बाकी तूने दाढ़ी नहीं करा ना आज, इससे पप्पी क्या इंसान। दाढ़ी बनाने के पैसे दे दे फिर। देख जानी ये राजू सेठ का बंगला है ऐसा। हाँ एकदम बिंदास चल, अपन सुम में घुसेंगे और चिंटू को फटके में उठा के लेके आ जाएंगे। ओके देख जानी ये बंगला है राजू सेठ का। बंगला तो बहुत भारी होगी, कैसे अपन पैसा कमाएंगे। ओके एक बात बता, तो राजू सेठ उसके लड़के को कब लेके आएंगे? अरे अरे तू फिकर मत कर, उसका टाइम हो गया, वो अभी लेके आएगा उसके पुरिया को। देख भैया बाप, अरे बेबे वो देख उसके पुरिया को लेके आ रहा राजू सेठ। चल रे, अरे उतरता क्या? नहीं बाबा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नीचे नहीं उतरेगा
अरे नीचे उतर, आ गया घर। नहीं बाबा, पहले मुझे 1000 रुपए दो, जब भी मैं नीचे उतरूंगा। यार तू हर काम के पैसे मांगता, पिछले जन्म में पुलिस वाला तो नहीं था रे तू रे? हाँ उतर नीचे। बाबा तुम जब तक 1000 रुपए नहीं देंगे तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बाप रे क्या करना इसका। ए, मैं भी तेरा बाप है बेटा, बाप समझा क्या बुरी गत के? मर यही मर धूप में। हाँ मेरे बाप का क्या जा रहा है? हेलो कैसा हो गया क्या मालूम? हमारा बिच्छा मत करना। हाँ चलो बिच्छो, बोला ना बिच्छो। मेरा बच्चा है तेरा बच्चा, बच्चा मत कर और हमारा पीछा मत कर। नहीं नहीं तेरे बच्चे को छोड़ दे, चल अंदर। ए बोला ना अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब वो मेरा पूरा नहीं है क्या चिंटू? अरे उसको 2 आदमी और 1 औरत ने किडनैप कर लिए। अरे त्या लादू दे, अब त्या नवा बवाल लाए तुमने? बोले मेरे पोलिया तू किडनैप कर लिए। अरे अब मैं ता ढूंढते बिलू तू। अरे इंस्पेक्टर साहब तुम टेंशन मत लो, मैंने ना मेरे पूरे के बॉडी में एक चिप फिट कर दिए ले। अब वो जा जाएगा तो अपनों को पता चल जाएगा का है वो। अच्छा तो तूने तेले पोले की बॉडी में टिप लदाया, पता उत्तर तो क्या है? उसका कोड है सत्ते पे सत्ता। अबे तू बताला ते पित्तल का नाम बताला। अरे मैं पिक्चर का नाम काय को बताऊ, मैं वो चिप का कोड बता रहा। एक तो साला पहले मैं अलग गनगन में है। तत्ते पे तत्ता, पता किडनैपर लो दो था पत्ता। आ दिया पता, तल दिया उनका पता। वो लोग है ना ताली बाउली थे पीते, तल भाई ताली पे ऐसा। हाँ तल चलो। अरे भैया ये लंबू 2 आदमी और ले दौलत, एक बत्ते तू उतारी दली लाए ले, तूने तो ही देता था ले। तू मेरे को पता है मैं बताऊंगा नहीं, पहले 1000 रुपया जा। अबे ताला अभी भी आदमी है, अबे बोली तो नहीं दोत मान लो यार। ए लादू दे दे तो तू दातू पे। अरे 10 क्या तू 20 ले, मगर उनका पता बता। और लोग इधर गए अंदर, चल दो। अरे तुम तीनों मिलके मुझे किडनैप किया ना, अब तुम तीनों मरेंगे। ए चिंटू गोली मत चला, बंदूक में गोली भरे ले। ए चिंटू ए ताम ताल, तू ये तीनों तू तोल दे। लेकिन एक शर्त पे छोड़ूंगा। कौन सी शर्त? तुम दोनों। ए तारा ये बात सुनना। क्या बात है जाने, मुझे तूने क्यों रोका? तारा तू मुझे बहुत अच्छी लगती रे। अरे रे रे। तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं कैसे लगता तुझे? तू ना मेरे को 1 नंबर का लुच्चा टपोरी कमीना दिखता है। अरे मेरे बाप रे, अरे इतना बात ना सुना कि तूने तो मेरा कचरा कर डाली। अबे लोग मुझे हीरो बोलते है, चलते ना लोग, बोले पूरा गाँव वाले मुझे हीरो बोलते है। तू हीरो है और कमाता जीरो है। अरे मेरे बाप रे, अरे तू कचरे में कचरा करते जा रही। अरे मैं तेरे से प्यार करता, मैं शादी करना चाहता तेरे से। और शादी के बाद तू मुझे खिलाएगा क्या? नाश्ते में 1-0, लंच में 0 और डिनर में 1-0। चल फुट, तेरे जैसे रिकामटे से तारा कभी नहीं शादी करेगी। जिस दिन तू कमाने लगना ना, उस दिन आके मुझसे बात करना। अरे मेरे बाप क्या झटके से गई। अरे तू मेरे से शादी करके देख। अरे ऐसा ऐसा खाना खिलाऊंगा, अरे काजू करी खिलाऊंगा, मलाई कोफ्ता खिलाऊंगा, पनीर सही, पनीर भुर्जी, नवरत्न कुर्मा, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बोनलेस खिलाऊंगा। जानी बोलते मुझे, अरे क्या बुरा बुरा कचरा करके गई। क्या रे जानी दादा, तारा तेरे से इतना प्यार करती, तू शादी की बात करा कि नहीं तारा से? वो बात करा था मैंने, कोई फायदा नहीं। अरे कुछ बताता क्या हमारे को? अरे क्या हुआ तुम्हारा? अरे मैंने उसको रास्ते में रोका, मैंने उसको बोला मैं तेरे से बहुत प्यार करता। अब उसने मुझे क्या क्या बोली मालूम है क्या? बोले गुंडा है, मवाली है, रिकामता है, कुछ कमाता नहीं, शादी बात क्या खिलाएंगा? बोले 3 टाइम 0। अरे क्या हंस रहे तुम? अरे मेरा जी क्या बोल रहा मालूम है क्या? ऐसा निकालना और मैंने मेरा गला काट डालूंगा। अरे कोई आइडिया बताओ। अरे मेरी शादी हो जाएगी ना, तुम भाभी भाभी बोलेंगे उसको। अरे पका के भी देंगी ना तुमको खाना। आइडिया देख, ये तेरे लंबे लंबे बाल और तेरे हाथ में ये चाकू। अबे तेरे को देख के ना लोग ऐसे डर जाते हैं। मुझे लोग देख के डर जाते? चलो मुझे मालूम नहीं लोग मेरे से डरते। देख अगर तेरे को यकीन नहीं आ रहा ना,
वो सामने से कप्तान आ रहा। हाँ। जाके उसको डरा, देख फिर डरते कि नहीं। अरे रे रे। क्या बात कर रहा? क्या रे लंबू, कहाँ जा रहा? अरे जाने दादा, मैं पिशाब करने आ रहा। ये इलाका आपने, या पिशाब नहीं फिरेगा तो? मैं तो मालूम है कि तेरे दोनों कान नाक काट के फेंक दूंगा। हाँ समझा तेरा, मैं डाली दूंगा। अरे जा रहा दादा, जा रहा मैं। हाँ और क्या करेगा मालूम है? जानी दादा जिंदा बात कहते जा। जानी दादा जिंदाबाद। बोल जानी दादा जिंदाबाद। डांस कर जानी दादा जिंदाबाद। क्या बात है जानी, जानी दादा जिंदाबाद। वाह रे वाह। अरे चिंटू, अरे तूने सही बोला रे, लोग मेरे से डरते। और मैंने उसको बोला जानी जिंदाबाद कहते जा, और बराबर कहते गया हो। देख ताली मेरे दोस्त। अरे जानी देख। हाँ? अभी तू है ना हफ्ता वसूली का धंधा चालू कर। हाँ, हाँ। उसमें ना बहुत कमाई होगी तेरी। सही आइडिया दिया तूने। अभी अपन ना हफ्ता वसूली का धंधा करते। चलो मोटू क्या कर रहा रे? अरे जानी दादा वो मोटू है ना जॉगिंग कर रहा, जॉगिंग जॉगिंग यानी दौड़ लगा रहा। ऐसा वो भी जाने के इलाके में हालत बना रहा हो और जॉगिंग कर रहा। हाँ इससे हफ्ता वसूल हो गया रे। अरे दादा, अरे वो मोटे से ना हफ्ता वसूली करो, वो मोटा है ना उसको लूट डालो तुम। और उसके ना बहुत पैसा है, बहुत पैसा। तो पहले बोलना था ना, बोले लूट डालो। चलो अभी उसको लूटता अपुन। चले ए मोटू रोक। क्या हुआ जानी, इतने बुरे अंदाज में क्यों रोका मुझे? अरे मोटू ये पूरा इलाका है ना जानी दादा का है। हाँ? और तू है ना ये इलाके में भाग के तेरी डेयरी काम कर रहे है ना। चल जानी दादा को हफ्ता निकाल के दे। हफ्ता? ये क्या होता चिंटू? मनी मनी। कह रहे मोटू तेरे को हफ्ता नहीं मालूम क्या? हाँ कब से दौड़ लगा रहा है यहाँ पे? मैंने जानी एक महीने से दौड़ लगा रहा, वो भी अच्छे अंदाज में। ए तू एक महीने दौड़ लगा रहा ना, जब महीना हो गया ना तो 500 रुपए निकाल। हफ्ता हफ्ता। मेरे बाप रे 500 रुपया, मैंने दूंगा 500 रुपया। हाँ ए 500 देगा? अरे रोड मैंने बनाया, ये गटर मैंने बनाया, और ये झाड़ भी मैंने लगाया। हाँ? ये जगह मेरी है और ये इलाका मेरा है, और तू पैसे निकाल नहीं तो तेरे पेट में अभी देख हफ्ता दे दे, नहीं तो तेरे पेट में ऐसा डालूंगा ना, किन्नी बाजू में, फेफड़ा बाजू में, आंतरी बाजू में, जितना भी मटर लेना इधर अपने इलाके में पड़े रहेगा। कुछ मत करो जाने दादा, 500 रुपया हफ्ता दे रहा। अम्मा जो अच्छे अंदाज में, चल अच्छे अंदाज में जाके सो जा। अच्छे अंदाज में सुसु कर देगा। अरे जानी दादा तुम्हारे धंधे की तो पहली बोनी हो गई, चलो अभी दूसरा बकरा ढूंढते। चलो अंधे फकीर को दे दो बाबा, मौला तेरा भला करेगा। ए चिंटू ए नम्या, जब मैं पैसे कमाऊंगा ना एक बंगला बनाऊंगा और तुम्हारे रास्ते में एक दो एक झोपड़ा बना के रखूंगा। हाँ क्या बोल रहे? अरे जानी दादा अंधे फकीर को दे दो बाबा, ये भिखारी है ना अंधा नहीं है। ये अंधा नहीं है और जानी दादा के इलाके में ये अंधा बन के भीख मांग रहा। जान दे बाल बच्चे वास्ते भीख मांग रहा हूँ, भीख मांगने दे चिंटू छोड़ो। अरे जानी दादा तुमको मालूम नहीं ये फकीर है ना, रोज के कम से कम 1500 रुपए तो कमाता। अरे मेरे बाप रे 1500 रुपए कमाता? अरे जानी दादा हमारी बात कतवा को भरोसा नहीं लग रहा। अरे 500 रुपए का छुट्टा लेके देखो तो कैसा कटाकट नोटा निकाल के देगा वो। खामोश बैठ। अरे वो भिखारी के पास इतने पैसे होंगे क्या? कटाकट बोले गिन के देगा? अरे तुम्हारे को यकीन नहीं आ रहा तो 500 रुपए का छुट्टा लेके देखो। क्या बात कर रहा, चले चिंटो। अंधे फकीर को दे दो बाबा, मौला तुम्हारा भला करेगा। बाबा 500 का झुट्टा मिलेगा? अरे बेटा झुट्टा मगर 10 रुपया काट के मिलेगा। ठीक है बाबा। ये ले बेटा 10 रुपया काट के तेरा पूरा पैसा। ओ बिल्लू।
अंधे फकीर को दे दो बाबा, मौला तुम्हारा भला करेगा। तेरा मुंह बंद कर, तेरा पोपट हो गया। अरे अंधा बन के पैसे कमा रहा, वो भी जानी के इलाके में। अरे जानी दादा, अब मैं लोगों को एड़ा नहीं बनाऊंगा अंधा बन के। ए बा, तू लोगों को एड़ा बना, वो पैसा कमा, बाकी मेरा हफ्ता मुझे टाइम पे मिल जाने होना। क्यों, ये इलाका मेरा है, चल हफ्ता निकाल। ले रे अगर चलो मत, यही भीख मांगो तुम। ऐसा क्या, ये जगह समझ लो फिक्स तुम्हारी हो गई। चलो रे। बोल चिंटू, किससे अभी हफ्ता वसूल करने का, और अपने एरिया में कौन धंधा करता खाली बता मुझे तो। अरे जानी, वो जो लड़की फोन पे बात कर रही ना, उसका नाम रानी है। हा? वो बहुत बड़ा धंधा करती है आम का। अरे बावले, उसके हाथ में तो आम भी दिख रहे नहीं, आम की टोकरी रहती। अरे जानी दादा, वो ऐसे आम का धंधा नहीं, ऑनलाइन आम का धंधा करती हो। फोन पे ऑर्डर लेती और होम डिलीवरी करती। फोन पे डिलीवरी करती, चल आज जानी उससे हफ्ता वसूल करेगा। क्यों, अपने इलाके में धंधा करती ना वो, चल। देख मत रे बाबा, 1000 रुपया हफ्ता निकाल। अरे लेकिन मैं तेरे को काय के लिए देगी 1000 रुपया। अरे तू जानी दादा के इलाके में ऑनलाइन धंधा करती ना, हफ्ता तो देना पड़ेगा। मैडम 1000 रुपया हफ्ता निकालो। अरे जानी दादा, मैं क्या बोल रही थी, तुम है ना 1000 रुपया हफ्ता छोड़ो। हाँ। मैं तुम्हें एक काम की बात बता दूं, तुम है ना सिर्फ 1000 रुपया मेरे बिजनेस में लगाओ। हाँ। और महीने के 5000 कमाओ। अरे चिंटू, तू तो बिजनेस को ऑफर दे रही, बन जाओगे इसका पार्टनर? बन जाओ दादा, बन जाओ। रानी, मैं तो आपका पार्टनर बन जाऊंगा, बाकी धंधे में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अरे मैंने अभी तो बताई, सिर्फ 1000 रुपए लगाओ और 5000 कमाओ। अरे जानी दादा, अरे अच्छा ऑफर है, अरे लगा दे 1000 रुपए। अरे जानी दादा, अब तो वसूली करने लग गया क्या, तेरे नाम की बहुत कंप्लेन आ रही पुलिस स्टेशन में। दादा कंप्लेन आ रही ना, तुम संभाल लेने का, मैं लोगों से हफ्ता वसूल करूंगा और मैं तुमको अलग से हफ्ता दूंगा ना। अरे चलेगा ना जानी, ला पहला हफ्ता तो दे मेरे को। हेलो 1000 रुपए। हाँ चलेगा दादा। कितनी भी कंप्लेन आई ना दादा, तुम उधर ही निपट लेने का। अरे तू टेंशन मत ले रे जानी दादा, ये ना इसके आगे सब कंप्लेन फेल हो जाते। और मैं क्या बोल रहा, अच्छा जरा आप तो वसूली करो। ठीक है दादा, चलो निकतो मैं। हाँ जितने भी कंप्लेन आए निपट लेना उधर ही। अरे तुम टेंशन मत लो जानी दादा, इधर बैठे ले ना मैं। ए चिंटू, अरे पुलिस भी जानी दादा बोलने लग गए मेरे को। अरे अपन तो बहुत पैसा कमाएंगे अभी, रपा-रप पैसा कमाएंगे। और जो तारा है ना, लुक्का मवाली बोली थी ना, अबे अभी तो मालूम है ऐसे पैसे फेंकूंगा। ए तारा, ए तारा, आई अपने आवाज आई। हाँ इसका जानी, इसका मतलब वो भी मेरे से प्यार करती। अरे बेबे क्या बात है जानी, तू फिर यहाँ पे क्यों आ गया? तारा तूने क्या बोली थी, पैसा कमाना फिर बात करना। अब मुझे मालूम है क्या, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई ना, मैं गैरेज में काम कर रहा और 30000 रुपए पगार है मेरे को। क्या बात कर रहा है जानी, 30000 रुपए वो भी एक महीने में? एक महीने में? तारा आप तो तू मेरे से शादी कर सकती ना? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, अब तो तू बहुत अच्छा कमाने लगा है, अब मैं तुझसे शादी कर सकती हूँ। अभी तो मुझे फिर गाना पड़ेगा, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया। तारा ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों का नाटक? भैया ये ना जानी है, ये ना मुझसे बहुत प्यार करता है, और तो और ये गैरेज में काम करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। अरे तारा ये गुंडा है, बहुत बड़ा मवाली है, ये गैरेज में काम नहीं करता, ये लोगों से हफ्ता वसूली करता। क्या? ए चलो जानी छतरी वाला, ए पब्लिक के लिए छतरी लाया, ए नीली है, काली है, पीली है, और मेरे कलर की भी है, ये तो काली, चलो आजा, हर जानी का छाता हर बारिश से बचाता, चलो आजा भाई लोग, छतरी वाला, ए छतरी वाला ले लो, उसकी घायल आ रहा। अभी जिंदा हूँ तो ये लेने दो जी।
प्रसाद में पी ले। ओ घायल साहब, अरे जानी क्या बोल रहा, इधर आ जाओ। रुक आ रहा, अरे तो किया है तुमने, पुकारा हम चले आए। वाह, अरे अर्ज किया है तुमने, पुकारा हम चले आए और जान हथेली पे ले आए। वाह वाह घायल साहब, जवाब नहीं तुम्हारा। बारिश के ऊपर एक अंदाज शेर सुनाओ। तो सुन जानी, सुनाओ। टिप टिप बरसा पानी, अरे टिप टिप बरसा पानी, और याद आ गई मुझको नानी। वाह वाह शायर साहब, तुम्हारा भी जवाब नहीं और पानी का भी जवाब नहीं और तुम्हारी नानी का भी जवाब नहीं। मेरे को ऐसी वक्की घायल नहीं बोलते, मैं शेर शहरी मार के ना आदमी को घायल कर देता, समझे क्या? अरे शायर साहब, बारिश आ रही ना, बारिश में तुम भीग जाएंगे, छतरी ले लो ना। हाँ चल फिर बता जानी, छतरी ये देखो घायल साहब, ये बटन वाली छतरी है, बटन दबा छतरी खुलेंगी। अरे मेरे बाप रे बाप, बटन वाली छतरी से बहुत खतरा है, अगर मैंने बटन दबाया और करंट लग गए तो। अरे इसमें वायर नहीं है, बोले करंट लगेगा। ये बटन वाली छतरी है। कितने की है? 2500 रुपया। ये ले 100 और तू छतरी खोल के मेरे हाथ में दे। ठीक है घायल साहब, ये देखो ये बटन दबाया क्या, ये छतरी खुली, ये लो। टिप टिप बरसा पानी। अरे जाने कैसा चल रहा तेरा धंधा पानी? दादा धंधा पानी बहुत अच्छा चल रहा मेरा। ऐसा क्या? चल लाइसेंस बता लाइसेंस। अरे दादा मैं क्या टू व्हीलर चला रहा क्या कार चला रहा? अरे मैं छतरिया बेच रहा। अरे एड़पाट, मैं तेरे से गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं मांग रहा, मैं ये दुकान लगाया ना तूने इसका लाइसेंस मांग रहा। अरे बाप रे दादा, दुकान का भी लाइसेंस लगता? अरे फिर, अरे ये रहा, दुकान का भी लाइसेंस रहता, उसके भी कागज पत्तर रहते। मेरे पास कागज पत्तर नहीं है ना, तो मैं तेरे पे केस बनाऊ क्या? अरे दादा मेरे ऊपर केस मत बनाओ, मैं गरीब आदमी है। अरे साहब ले दे के मामला खत्म करो ना। चल तू बोल रहा ना ले दे के खत्म करने का, चल बोल कितने पैसे देता तू? दादा मैं पैसे नहीं दे सकता, तुमको एक छतरी फ्री दे सकता मैं। ठीक है जानी, तू तेरे तरफ से एक छतरी फ्री में दे रहा ना, तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं छतरी अभी नहीं लेके जाऊंगा। कब होना फिर दादा? अरे मैं मेरी गर्ल फ्रेंड को आऊंगा ना इधर घुमाने के वास्ते, तो जब मैं ये तेरी छतरी फ्री में लेके जाऊंगा। अरे बाप रे दादा, तुम आइटम के साथ घूमने आएंगे जब छतरी लेके जाएंगे? दादा चल जानी, चलता मैं। ठीक है दादा, पर एक बात याद रखना जानी, मैं आऊंगा भला क्या? ठीक है दादा, चल चले जानी छतरी वाला, चलो चले जानी छतरी वाला, चलो छतरी लेकर जाओ। चलो जानी छतरी वाला, चलो जानी छतरी वाला। अमिताभ बच्चन जो है ना अपने एक ही छतरी लेके जाता, वो भी जानी की एक ही। और जो काजल है ना, काजल के पास जो छतरी है वो भी जानी की है। उसके बाद शाहरुख खान के पास छतरी है, वो भी जानी की है। उसके बाद में जो गोविंदा के राजा बाबू की छतरी ना, वो भी जानी पास की है। मैं छतरी वाला हूँ, जानी छतरी वाला, पूरे बम्बई में अपना धंधा है। क्या बोलती पब्लिक? चलो छतरी ले लो छतरी। छिलेला नारियल कैसे क्या इधर आ रहा? चले जाने छतरी बेच रहे तो? नहीं वड़े पाव बेच रहा। अबे अंधे दिख रहा नहीं क्या, छतरी बेच रहे ना। अरे डांस वाली छतरी बताओ मेरे को। छतरी नहीं डांस करती, आदमी डांस करता। ठीक है मेरे को एक छतरी दे तू। ठीक है। अरे बाप मेरी तारा आ रही इधर। What a hottie hottie। क्या रे मेरे जानी, कैसा है तू? अरे ठीक है तारा, मैं एकदम जबरदस्त है। अरे जानी मेरे को एक छतरी दे तू। अरे तेरे मुंह में निप्पल ले, एकदम खामोश बैठ। कैसे है तारा तू? तूने मुझे बहुत दिनों से एक भी गिफ्ट नहीं दिया है ना। तू एक काम कर, तू ना मुझे 1000 रुपए दे दे। वो क्या है ना, मुझे गिफ्ट लेने का है बस, कल 1000 रुपए। ले तारा 1000 रुपए ले। थैंक यू जानी। अरे जानी मेरे को छतरी दे दे तो। अरे खामोश जेठ ना, मेरी आइटम से बात कर रहा ना, नैड़ा ना निकाल के फेंक दूंगा, चुप। अरे जरा गिराक से जरा लाइन से बात कर, मैं तो धंधा बंद कर देता हूँ। जानी देखिए धंधा बंद करने की बात कर रहा है, इसको धो डाल। धंधा बंद करा, धंधा बंद कर, ऐसा फेंकूंगा ना अरे आसमान में चिपक जाएगा, जमीन का मुंह भी नहीं देखेगा, समझ में आया ना? धंधा बंद करने लगा रहा जाने। ओह नो, तूने मेरे को
मार के बहुत बड़ी गलती करा। अरे निकल रहे यहाँ से, पूरी खानदान को लेके आ जा। जानी डरता नहीं किससे। अरे तारा चलो जानी की आगे छतरी ले लो चलो। अरे काली भी है, नीली भी है, पीली भी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सौ रुपया चलो उठा लो उठा लो उठा लो। चलो सौ रुपया कीमत। चलो जानी का छाता और बारिश से बचाता। चल ले 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 उठा ले 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 उठा ले। अरे अभी दुकान लगाया मैंने छतरी की, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं। चल निकल यहाँ से। अरे जानी ये भिखारी नहीं है, मैं तो उसको आगे जाने का बोल रहा। ये अच्छे अंदाज में ना छाता लेना है छाता। अरे पैसे क्या उसके पास? अरे पैसे बहुत है इसके पास, अमीर बाप के औलाद है वो। हाँ बोल कौन सी होना। तो क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हो? उसको ये छाता नहीं होना, बड़े छाता ना बड़े वाला। अरे हालत के हिसाब से उसको यही छतरी लेना था ना। ये नहीं, जम्बो साइज का बड़ा छाता था ना। अच्छा जम्बो 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 वो भी है मेरे पास। चलो 1000 रुपए दो। ले पकड़। चले जानी छतरी वाला, चलो जानी छतरी वाला। अरे अपन का छाता सबको बारिश से बचाता। चलो चलो आ जाओ। अरे बापरे, ये टकले ने मेरी औरत को साथ में लेके आया। क्या रे जैनी, किधर है वो तेरी गर्लफ्रेंड? क्या नाम? तारा। किसको तुम पैसे दे रहे? अरे कौन थी तारा, कौन थी सायरा, बोले तुम्हारा गर्लफ्रेंड। अरे कौन था मेरी गर्लफ्रेंड है? अरे बाजी मेरी आंखों से देखा मैंने, ये तारा को है ना 1000 रुपए दिया, वो भी गिफ्ट के वास्ते। क्या हो, तुमने तारा को 1000 रुपया दे दिया? Oh, no! मैं 100 रुपया भाजी पाला के लिए मांगती हूँ, तो तुम क्या बोलते? 10-20 रुपए की भाजी लेके आना। हाँ मेरे लिए कभी कोई गिफ्ट लाए? बोले कभी मेरे लिए गिफ्ट लाया क्या? अरे दिखती कैसी तू, ललिता पवार जैसी। बोले गिफ्ट लाया क्या? तारा देखो कैसी दिखती, एकदम हीरोइन जैसी। तू देखो इतनी सी बहन की। तारा मेरी गर्लफ्रेंड है और हमेशा के लिए रहेंगे। तू भी एक गाना आशिक ढूंढ ले। चला जाने छतरी वाला, चला आजा आजा आजा। झुंझुना बंद कर। क्या होना इतना बता मेरे को? झुंझुना वाली छतरी होना। नहीं नहीं झुंझुना वाली छतरी नहीं मेरे पास, मेरे पास 100 रुपए है। अच्छा तेरे पास 100 रुपए? चल 100 रुपए ला। ले झुंझुना बांध दिया तेरी छतरी पे और नाश्ते जा घर पे। अरे वाह चलो 100 रुपए दे आगे वापस। ए जानी छतरी वाला, चला जानी छतरी वाला। ए जानी अरे पहचाना क्या मेरे को? अरे दादा पहचाना ना, बाकी लाइसेंस पेपर नहीं रहता मेरे पास। अरे तूने बोला था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड को छतरी फ्री में देगा। बोला था ना दादा? अरे तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको 10 छतरी फ्री में दे दे। दादा तुम्हें एक ही छतरी बोले थे ना। देख जानी अगर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को 10 छतरी फ्री नहीं दिया ना, मैं तेरे को 5 साल के वास्ते हवालात में डाल दूंगा। अरे मेरे बाप रे, दादा मैं 10 छतरी दे रहा, बाकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुँह तो बताओ मुझे। अरे डार्लिंग जरा जानी को तेरा मुँह तो बता। मैं हूँ रानी, हवलदार साहब की गर्लफ्रेंड। क्या? हाँ डार्लिंग, हमको यहाँ से खानदेश के द्वार जंगल तक जाने के लिए ना कोई रिक्शा करना पड़ेगा, वो भी अच्छे अंदाज में, है ना? हाँ तो जल्दी पकड़ो ना। और तुमको याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? कि तुम ना शादी के बाद ना मुझे जंगलों में ले जाओगे और जंगल में ना तुम मुझे टार्जन से मिलाओगे। हाँ डार्लिंग मुझे सब याद है, जंगल में जाने के लिए हमें रिक्शा करना पड़ेगा ना, वो सामने रिक्शा वाला है, चल के उससे बात करते है ना। चलो अच्छा ना। अरे भाई साहब हमको खानदेश के द्वार जंगल जाना है, लेके चलोगे अच्छे अंदाज में? द्वार जंगल? अरे द्वार जंगल में बन जा रहे थे को? हमने सुना है द्वार जंगल में ना टार्जन रहता है, मुझे ना टार्जन से मिलना है। टार्जन देखने का मौली तो टार्जन पिक्चर देख लो। अरे भाई वो जंगल में बहुत खतरा है। खतरा है? कैसा खतरा है? अरे भाई वो द्वार जंगल में ना कदम कदम पे खतरा है,
वो जो टार्जन है ना आदम खोर है, इंसानों को खा जाता। अरे मेरे बाप रे, खतरा है रानी डांडिंग। चलो अपन वापस चलते, द्वार जंगल में ना बहुत खतरा है। नहीं मोटू, तुम तो शादी से पहले बड़े बड़े डिंगे हाँकते थे, बोलते थे डार्लिंग शादी के बाद है ना हम हनीमून के लिए खानदेश के द्वार जंगल में जाएंगे। अब क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती, चलो तुम। अरे डार्लिंग मेरी बात को समझो, अगर वो द्वार जंगल में हनीमून बनाएंगे ना, हम दोनों की जान को खतरा है। चुप डरपोक, देख अभी ना हम लोग खानदेश के द्वार जंगल तक पहुंच चुके हैं, अब तो हम जरूर जाएंगे और वहाँ जाके ना टार्जन के साथ सेल्फी निकालेंगे। चलो भैया रिक्शा वाले, चलो जल्दी। अरे चलो ना। देखो मैडम, ये द्वार जंगल का बॉर्डर है, मैंने तुमको यहाँ तक छोड़ दिया लाके, है ना? यहाँ से रिक्शा नहीं मिलेंगी, यहाँ एक बात समझ लो तुम लोग, अगला मेरा भाड़ा दो। नहीं भैया, पकड़ तेरे 100 रुपए। चल सुना ना डार्लिंग, वो रिक्शा ने भैया ने क्या कहा, अबे वापस जाने के लिए अब कोई रिक्शा नहीं मिलेंगी पूरे अंदाज में। हाँ। अरे छोड़ो मोटू, पहले चलो। अरे वाह मोटू, कितना खूबसूरत जंगल है ना। हाँ हाँ, और खतरनाक भी। अरे सुना मोटू, वो देखो टार्जन की आवाज आ रही है ना। हाँ, ये टार्जन ही चिल्ला रहा है अंदाज में। देखो ना टार्जन फिर से आवाज दे रहा है, उस तरफ से आवाज आ रही है। चलो ना जल्दी टार्जन देखना। देखो ना टार्जन की आवाज भी नहीं आ रहा, किधर है वो? अरे मेरे को क्या मालूम कहाँ है टार्जन। अरे मोटू वो देखो टार्जन। दिख रहा है? अब मैं ना जल्दी जल्दी ना उसके साथ फोटो निकालती हूँ। चलो चलो। रानी डार्लिंग, तूने टार्जन साहब वीडियो बना ली ना अच्छे अंदाज में, अब कर चल। जिंगल लाला हू हू, जिंगल लाला हू हू, जिंगल लाला हू हू। टार्जन भैया अच्छे अंदाज में हमने जिंगल मंगा नहीं लाए, जो तुम हमसे जिंगल मंग रहे। मैं तुम लोगों से जिंगल नहीं मांग रहा, तुम मेरे मेहमान है ना, मेरे जंगल में आए ना, ये खुशी से मैं डांस कर रहा और तुम भी मेरे साथ डांस करो। जिंगल लाला हू हू, जिंगल लाला हू हू, मेरे साथ तो नाचो गए, मेरे साथ तो गाओगे, मेरे साथ तो झूमेंगे, मेरे साथ तो नाचोगे, मेरे साथ तो गाओगे। अच्छा टार्जन भैया हम जाते हैं चंदन में। तुम तुम्हारी मर्जी से जंगल में आए, अभी मेरी मर्जी से तुम जंगल के बाहर जाएंगे। क्यों? यहाँ का बादशाह जानी टार्जन है। नहीं नहीं टार्जन भैया, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम वापस जाएंगे अच्छा नाम में। हाँ टार्जन, हम लोग ना अपने घर जाएंगे। अरे मेरी परकटी, ना तू वापस जाएंगी ना तेरा मोटू वापस जाएगा। अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश किए तो जानी टार्जन तुम लोगों को कच्चा चबा डालेगा, तेरे मोटू को भी। चलो मेरे साथ नाचो, मेरे साथ। जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो। देखो ये जानी टार्जन का महल है, परकटी हो जा अंदर। नहीं नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे। जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो। जंगल में जाएगा और मेरे लिए भाजी पाला लाएगा। ये परकटी, ये चूल्हा, बर्तन, ये चक्की, तू मेरे लिए खाना बनाएगी कि नहीं? नहीं।
खाना बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? हाँ बनाऊंगी। जोर में बोल। हाँ बनाऊंगी। तुमने काम पे लग जाओ और मैं जंगल में घूम के आता। नाचो जिंगल। मोटू डार्लिंग, ये टार्जन हमें नहीं छोड़ने वाला है यहाँ से। हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। ओहो रानी डार्लिंग, तुझे बड़ा शौक था ना गांधी के द्वार जंगल में हनीमून मनाने का बुरे अंदाज में। टार्जन है ना, हमें छोड़ने वाले नहीं है वो। मोटू मोटू मुझे याद आया, मैं ना तारा को फोन करती हूँ, वो ना मदद करेगी। लगा लगा। अरे तारा हम लोग कहाँ जा रहे? अरे हम लोग है ना वो खानदेश के द्वार जंगल में जा रहे। अरे तारा मैंने तो सुने हुआ है वो जंगल बहुत डेंजर है। हाँ लेकिन वो अपना मोटू है ना वो रानी को लेके वहाँ पे गया था हनीमून मनाने और वहाँ के टार्जन ने ना उसे पकड़ लिया है। वो तो अच्छा हुआ कि उस जंगल में रानी का फोन लग गया और उसने मुझे ये सारी बात बताई। अरे तारा अपन लोग जंगल में जा रहे, अगर वो टार्जन मिल गए तो अपन उसका करेंगे क्या? अगर वो अपने को मिल गया ना, उसने अपने दोस्तों को पकड़ा था ना, अभी अपन उसको पकड़ के लेके आएंगे शहर में और सर्कस वालों को बेच देंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही तारा, तूने डॉक्टर राजकुमार को क्यों बुलाया? अरे बुरी गत के चिंटू, जब वो टार्जन धिंगाने करेगा तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन कौन लगाएगा रे? तेरा ऊपर का भेजा है खाली, इसलिए तू रात दिन बजा रहा है टाली। ए डॉक्टर तू ज्यादा अगोपना मत कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू राजकुमार है। आज सुनो चिंटू, आज राजकुमार को आज तक कोई नहीं भुला पाया, तू क्या भुलाएगा समझा? अबे यार तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो, जंगल आ गया। जरा संभल के आना, ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। अरे तारा तू टेंशन मत ले, मेरे हाथ में ना गुलेर है। हाय हाय। अरे चिंटू ये उस टार्जन की आवाज है। अरे हाँ यार। अरे डॉक्टर ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे चिंटू अगर मुझे ये पता चल जाए कि आवाज कहाँ से आ रही है और वो टार्जन किधर है तो मैं उसके पिछवाड़े में ये इंजेक्शन ठोस दूँ। चलो अब ढूंढते बाबा। हाय हाय। ओ गिंगा लाला, ओ ओ गिंगा लाला, ओ ओ गिंगा लाला, ओ ओ गिंगा लाला, ओ ओ। ये गाइस वो देखो टार्जन। अरे अपुन तो एक टार्जन के चक्कर में आए थे, ये तो दो दो टार्जन है। आज दो नहीं आज डेढ़ है, ये दोनों को तो मैं एक ही इंजेक्शन में निपटा दूंगा। अरे उनके पीछे चलो जल्दी। हाँ चलो। टार्जन तूने हमारे दोस्त मोटू और रानी को पकड़ा ना, जल्दी बता किधर है। हम लोग टार्जन नहीं है, हम लोग लगड़े तोड़ने आए थे। तू टार्जन नहीं है? नहीं है। तो फिर टार्जन कहाँ है ये बता। अरे सही बोला, हम टार्जन नहीं है, हम जंगली है, जंगली लकड़ियां तोड़ने वाले। अरे तो फिर टार्जन किधर है? टार्जन इधर है। तो फिर यहाँ क्या खड़ा है, जा अपना काम कर। चलो गाइस वहाँ पे ढूंढने। जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु। गाइस ये तो मोटू की आवाज है। अरे हाँ तारा ये तो मोटू की आवाज है, चलो चल के देखते। अरे मगर वो जंगली नहीं है तो जंगली लोग कैसी आवाज निकाल रखी वो? हाँ ये भी बात सही है। चलो यार। जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु। अरे मोटू तू इस हाल में, रानी कहाँ है? अरे तारा क्या बताना, वो टार्जन है ना रानी का मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया बुरे अंदाज में। तू टेंशन मत ले, हम सब आ गए ना, तू सिर्फ हमको इतना बता कि वो टार्जन कहाँ है। हाँ हाँ मैं बता दूँ, मेरे पीछे पीछे चला है। जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु, जिंगल लाला हु हु। तारा ये टार्जन का घर। रानी कहाँ है? रानी अंदर है ना। तारा तू कब आएगी? रानी अरे रे,
देखना टार्जन ने हम लोग को गुलाम बना लिया है। देख क्या हालत की है, जल्दी से तू यहाँ से हम लोगों को ले चल। अरे तुम लोग रो मत, तुम लोग सामान उठाओ और चलो जल्दी यहाँ से। नहीं नहीं तारा, वो जाने टार्जन का टाइम हो गया लाने का। नहीं अरे तुम लोग सामान उठाओ, हम लोग है ना उस टार्जन का छुप के इंतजार करेंगे। चलो जल्दी। जिंदा लाला, हो हो, जिंदा लाला, जिंदा लाला, हो, जिंदा लाला, हो हो, जिंदा लाला, हो हो। ए मोटू, एक गिलास पानी ला। हाँ? मोटू नहीं सुन रहा। ए परकटी, परकटी, पानी ला। हो हो, जिंदा लाला, हो हो, जिंदा लाला, हो हो। ए मोटू, ए परकटी, परकटी। एक गिलास पानी ला मेरे लिए। ए जाने टार्जन, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं तो तेरे हाथ से पानी ला के बैठूं। ये परकटी की मैं गर्दन काम डालूंगा तो पानी लाएगा ना परकटी। कुछ मत करना सुआ। गर्दन इधर और धड़ इधर। साले एक बात तो पक्की है कि तू टार्जन नहीं है। तू सच सच बता कि ये नाटक क्यों कर रहा है। अरे तू सही बोल रही, मैं जेल में से भागेला कैदी है और मेरा नाम है जाली लुक्का। रानी तुझे एक बात बताओ क्या? हाँ बोलना जानी। अपनी दोनों की मोहब्बत में बहुत वायरल हो गई। वो कैसे? वो कैसे? देवी के दाम अपन डांडे खेल रहे थे, खूब नाच रहे थे दोनों, किसने वीडियो बना लिया अपना और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लेकिन जानी एक बात बताना, अगर ये बात अगर मेरे बाबा को पता चली तो वो क्या करेंगे? अरे पता चलने देना, उनको मालूम पड़ेगा ना अपन दोनों कितनी मोहब्बत करते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन जानी मुझे एक बात बता, कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाया? मुझे आज आइसक्रीम खानी है, खिला ना। रानी तुझे मालूम है ना मैं कितना रिकामा आदमी है, काम धंधे नहीं मिल रहे, तो एक रुपए का डॉलर नहीं मेरे खिसे में तो आइसक्रीम कैसे खिला सकता रहा मैं तुझे। क्या जानी तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? खिला सकता ना, तेरे को आइसक्रीम खिला सकता, तेरे हाथ से भीख मांग लेंगे ना फोन। दे भगवान के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, 10-20 रुपए आया तो आइसक्रीम खिला सकता मैं तेरे को। मैं कुछ नहीं जानती जानी, तू कुछ भी कर लेकिन तू ना मेरे को आज के आज अभी के अभी आइसक्रीम खिलाएगा। जानू मैं तेरे से बहुत प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता, मैं तेरे वास्ते ना भीख मांगूंगा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। तू कुछ भी कर, तू भीख मांग कुछ। ओ भाई साहब, भगवान के नाम पे दे दो, ऊपर वाले के नाम पे दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, मेरी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाना है। कहां तेरी गर्लफ्रेंड? दिख रहा नहीं क्या हम इसकी साड़ी पहने ले। एक काम कर, तू यहां आराम से बैठ, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिला के लाता। कहां मिलेगा जानी? अरे मेरे बाप, घर घर छोड़ के यहाँ सोते पड़ा हो। चलो घर दार छोड़ के कहीं भी सो जा रहा है ये। अरे मेरे बाप, मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है इसको, उठे। अरे मेरे बाप, नीति को बाहर आ गई, गांव खाली करो। बाहर नहीं आई बेटा, ये पार आया। रात को मैंने व्हाट्सएप पे तेरी वीडियो देखा, वो रानी पोरी के साथ डांडिया में कितना नाच रहा तू। अरे मेरी इज्जत का ख्याल उल है क्या नहीं तेरे को? अच्छा ना, तुम्हारा बेटा वायरल हो गया ना, तुम्हारा तो नाम कमा रहा ना मैं। आएगा नाम हुआ रे, काम धंधे तो करता नहीं तू और बोले नाम होगा। अरे वो पोरी का बाप मिला था मेरे को और मेरे ऊपर तड़क रहा था। तेरा पोरिया बोले रिकामटा फिरता, रिकामटा टल्ला है वो। जानी का और मेरी पोरी का रिश्ता कभी नहीं जम सकता। मेरी इज्जत की पूरी वाट लगा दिया उसके बाप ने। तुम्हारा इतना बड़ा नाम है ना, उसके बाप से बातचीत करके मेरी शादी करा दो रानी की मेरी। बाबा जब तुम्हारी इज्जत की वाट लग रही ना तो मुझे काम धंधे पे लगा दो ना। साला कुछ सोचन दे मेरे को। अच्छा मैं एक काम करता, तेको कुछ भी धंधे से लगा ही देता मेरे। अच्छा बाबा मैं क्या बोल रहा, दिवाली आ रही। हाँ। मुझे पटाखे की दुकान लगा दो, मैं पटाखे बेचूंगा, भरपूर पैसे कमाऊंगा और रानी शादी करूंगा। आ,
अब लग गए अपनी दुकान, अभी आवाज लगा जानी, चला जाने फटाकड़े वाले, चला जाने की जगह बम ले लो, फूलझड़ी ले लो, अनार ले लो, चलो बड़े बड़े फटाकड़े ले लो भाई, ये देखो आजा आजा आजा, ए चलो बड़ा आइटम बम ले ले, रॉकेट ले ले, फूलझड़ी ले ले, अनार ले ले, चलो फटाकड़े ले फटाकड़े, चलो फटाके फटाके। अरे वाह जाली, ये चमत्कार कैसे हो गया, तूने तो फटाके की दुकान डाल दी। वाह 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 मेरी जाली। अरे मेरे बाप रे, जाली के फटाकड़े की दुकान पे एटम बम खड़े ले। अरे अपन डांडे खेल रहे थे ना, वो वीडियो वायरल हो गई और मेरे बाप ने देख लिया और मेरे बाप ने मुझे फटाके की दुकान लगा दिया और मैं भरपूर पैसे कमाऊंगा और अपन दोनों शादी कर लेंगे। अरे वाह क्या बात है जानी। वाह मेरी जानू, क्या मेहनत करती है मेरी जानू। चल ना बेटी कब। अरे जानी देख, लगता है तेरी दुकान पे ना कोई ग्राहक आ रहा है। ए जानी ने पटाखे लाया, जानी ने पटाखे लाया, ए जानी ने पटाखे लाया, जानी ने पटाखे लाया, ए जानी ने पटाखे लाया, जानी ने पटाखे लाया, ए जानी ने पटाखे लाया। क्या रे जानी दादा, अरे ये बुरी बिल्ली कहाँ से पटाखे लाया तूने? अरे मैंने उसको पटाखे नहीं लाया, फटाकड़े बेच रहा, कान के इलाज कर पहले। ये ले बैठ रहे थे, पटाखे पटाखे बोल रहा, पटाखे नहीं लाया। अरे जानी दादा, ये पटाखे से कम है क्या? अरे ये ना एटम बम, एटम बम, एटम बम बोला क्या रे? अबे ये तेरी होने वाली भाभी है, भाभी बोले तो माँ की जगह पे, इसका मतलब ये मेरी वाइफ है। आ समझ में? अब कैसे सारे दादा आपने बोलूंगा। अरे पटाखे लेने आ गए, लाइन मारने आ रहे तो? ये बड़ा रॉकेट दिख रहा ना, उसके ऊपर तुझे बिठाऊंगा, ऐसे अंगार लगाऊंगा सीधे आसमान में। आप मैं इसको बेच बोलूंगा, एक काम कर मेरे को ना पटाखे लेके लड़ी दे दे। आ लाइन से, चल निकल, चल बे आता मैं। देख ये रुबाब है तेरे जानी का। चलो अनार ले लो, चलो अनार ले लो, फटाकड़ा ले लो, बड़े बड़े बम ले लो, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। अरे क्या है, क्या बढ़िया बढ़िया पटाखे की दुकान लगाया है, क्या बढ़िया बढ़िया पटाखे की दुकान लगाया है, इसीलिए ये बोला तेरी दुकान पर आया है। वाह 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 बोले दादा, वाह। शुक्रिया शुक्रिया जानी दादा, शुक्रिया। अच्छा बोले दादा, दिवाली के पटाखे लेने आया क्या? अरे पटाखा नहीं होना, फुलझड़ी होना मे को। अरे पटाखा नहीं होना, फुलझड़ी होना मे को। अरे अब देता कि यही बात 10 बार बोलू ते को। दे रहा हूँ बोले साहब, लीजिए फुलझड़ी। अच्छा बता जानी, ये फुलझड़ी कितने की दे रहा? चल बता जानी, ये फुलझड़ी कितने की दे रहा? ज्यादा नहीं बावले साहब, खाली 60 रुपए ले रहा। बाबा बाबा क्या बात है जानी दादा, ये लीजिए आपके पैसा। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ जानी दादा, मैं फिर आऊंगा। अच्छा चलता हूँ जानी दादा, मैं फिर आऊंगा, एक शेर नहीं पूरी गजल सुनाऊंगा। वाह वाह साहब, वाह वाह। ओके साहब, कैसे कैसे शायर आ रहे, मजा आ रहा। ए जानी फटाकड़े ला, चलो आजा आजा आजा, फटाकड़ा ले लो। अरे वो देख सामने ताले, अरे पीते दादा, दा दा दा, अरे माल 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 माल। अबे ताले तप्तान, तेरी इतनी मत, तूने मुदे माला, ये ले ये ले, अबे ये ले ये ले, अबे ये ले ये ले, ये ले ये ले, अबे ये ले ये ले, ये ले। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ए दानी दादा तू हट दिया, तू बीच में मत आना, ये तप्तान तो तैयार है। आप हट चुके। अबे रुको ना रे, क्यों लड़ रहे तुम? दोनों क्यों लड़ रहे? अरे दानी दादा, हम लोग देम तेलते बैठे थे तो इतने ने मुझे मार दिया, मुझे भी ऐसे ऐसे मारा। पहले ने इतने मुझे ऐसे मारा था, मुझे कैसे मारो था ऐसे मारा था, उसके बाद मैंने ऐसे मारा था, उसके बाद ऐसे मारा था, फिर उसने मुझे ऐसे मार दिया था, ऐसे मारा था। पटाखे वाले पटाखे, चलो जानी क्या क्या अनार है, रॉकेट है, एटम बम है, चलो आजा आजा, फूलझड़ी है, चलो आजा पटाखे वाले पटाखे वाले। काय पाहिजे? अरे काय पाहिजे सांगकी रे?
करूंगा रे। अरे आज दिवाळी रे, हा पोळा नाही आहे, बैलासारखं चक्कर मारू राहिलं, मला पण चक्कर मारू। अरे तुला काय पाहिजे सांग मला। अहो मला ते बारीक बारीक पटाके पाहिजे। बारीक जमीनवर मारलं फुटतात ते का? मग असं बोंब मारना बारीक फटाकडे ये का रे? हे जमीनवर फटाकलं तर वाजता तेच ना, तेच ना, घे की 20 रुपये दे। जरा अक्कल ठो, बैला सारखं फिरून राहिला चल। तोड पाहतो सांड सारखा पण अक्कलच नाही त्याला। ए चला जानी फटाकडाले, जानी फटाकडाले, चला फुल जडी ले लो, अनार ले लो, चलो 40 रुपया 50 रुपया लरे जानी चल ला दे। क्या तू फटाकड़ा दू, अनार दू, फूल जड़ी दू, बड़ा बम दू, एटम बम दू? अरे माधुरी को ये सब नहीं होना, माधुरी को तो दिवाली की खुशहाली होना, चल ला दे फटते। अरे मैं खुश दे तो तुझे कहाँ से दूर है, पैसे भी से नहीं मेरे पास। तेरे पास पैसे नहीं है ना, जा मुझे बड़े वाला रॉकेट दे दे। खामोश बैटरी क्या? 2000 रुपए का रॉकेट हो, चल निकल यहाँ से। टच मत कर उधर, नहीं बोला मैं मजाक कर रहे। खामोश बेटा निकल यहाँ से। 50 देने जा रही है। अरे 50 नहीं, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, चल निकल निकल यहाँ से। कुछ भी तो दे, मजाक मत करना, चल निकल यहाँ से, जा निकल यहाँ से। अरे मेरे बाप, तेरे पाँव पड़ता। अरे निकल रे, निकल यहाँ से। अरे मेरे बाप रे, मेरे बाप ने कैसे धंधा खोल के दिया रे, कैसे कैसे लोग आ रहे, शायर आ रहा, ये भी आ रहा। चले फूल जड़ी ले लो, बम ले लो, रॉकेट ले लो। अरे वो साली नहीं ना, वो तंग कर साली मेरे को, चल मेरे को एक एटम बम दे। कौन साली रे? अरे वही मेरी औरत, ना सोने से सुकून से, ना खाना खाने से सुकून से। अरे आए दिल कट कट लगे रहते मेरे पीछे। ऐसा है मेरे बाबा, त्योहार बहार है ना, तार तो परेशानी करेंगे। ये ले फिर, ये होना क्या? अरे नहीं रे जानी दादा। ये ले। अरे नहीं होना ये। अरे दिवाली धूम से फिर ये बनाना इससे। अरे नहीं रे बाप। एक काम कर, ये ले, ये वाला तू। अरे नहीं होना ये। कौन सा होना? ये वाला बम बोला मेरे को, बोल इसकी कीमत क्या है? अरे बाबू 2000 रुपए का हो। बस इतनी सी बात, ये ले 2000 रुपए, चलोगे मैं? हाँ। ना मैं दादा रुक रहे, इतना बड़ा एटम बम लेके जा रहा है, इसका क्या करेंगे ना तू? अरे वही मेरे पीछे कट कर लगाती थी मेरी औरत। अभी मेरी औरत सुनेंगी ना तो कान के पीछे लगा दूंगा और फोड़ डालूंगा। क्यों? हे गाइस सुनो, धंधे के लिए ना एक सुपर आइडिया आया है मेरे पास। बोलो तो बताओ तुम लोगों को। तेरे आइडिया का तो बैठे अपन यहाँ। अपन तीनों मिलकर है ना पार्टनरशिप में एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलते, कैसा आइडिया है? क्या बात है चिंटू, तारा पास आइडिया बहुत भारी है। हाँ तारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसमें बनाने में पैसे कितने लगेंगे? रेस्टोरेंट बनाने में लगभग 3-3.5 लाख रुपए लगेंगे। अरे मेरे बाप रे। अरे बावली, मेरे बाप ने अभी तक 3-3.5 लाख रुपए कमाए नहीं, मेरे पास खाली 40,000 रुपए पड़े ले। मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए पड़े। ये तारा, ये आइडिया ना तेरा कैंसिल कर, अब कोई दूसरा प्लान निकाल। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम लोग खुद बोलते हो कि ज्यादा प्रॉफिट वाला धंधा बता, और धंधा बताते हो तो बोलते हो पैसे नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे गाँव से फोन आए ले, और कोई था एक ने भी आवाज नहीं निकालने का। हेलो मैं कप्तान बोल रहा। बोल कैप्टन। जानी दादा तेरे आज से बहुत बुरी खबर है। हा? कल्लू चाचा जाने वाले है। कल्लू चाचा बम्बई जा रहे? बम्बई नहीं, ऊपर जाने वाले है। क्या बात कर रहा, चाचा की तबीयत खराब है? तेरे कल्लू चाचा ने बोले जानी को बुला ले। जानी दादा जल्दी से आ जा, तेरे खजाने का पता बताने वाले है। ठीक है कैप्टन, मैं अभी गाँव आ रहा, रख फोन। अरे तारा और चिंटू, मैं आज बहुत खुश है, मेरे चाचा मरने वाले। अरे बाप रे, मेरे चाचा मरने वाले। तू पागल है क्या, तेरे चाचा मरने वाले और तू खुशियां मना रहा है? अरे तारा, मेरे चाचा मरने वाले और खजाने का पता है ना, खाली वो जानी को बताएंगे। क्यों? मैं उनका भतीजा है। तारा अपन तीनों मिलके गाँव जाते और वहाँ से खजाना लाते और तीनों मिलके एक बड़ी होटल खोलते, ताजमहल जैसी। क्या बोलती पब्लिक? बोलना चलो। अरे खामोश बैठ थोड़ा, अरे बीमारी से बाद में मारूंगा, तेरे फाफड़ चाले से पहले मार जाऊंगा।
अरे बाप रे बेटा तू आ गया ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे रे बा। बोलो ना कल्लू चचा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता मैं, क्या होना बोलो। मैं गुना पाव भर गरम टिक्का ला दे और एक कॉटर दारू की बोतल। मेरे कल्लू चचा बोल रहे पाव भर मुर्गी का टिक्का ला के दे और एक दारू की बोतल मांग रहे। तो पागल ला के दे देना, उसकी प्रॉपर्टी तो तुझे मिलने वाली है ना। ऐसा जो खजाना का पट्टा बताने वाले हो। क्या रे बेटा क्या पुसुर पुसुर कर रहे हो। अरे कल्लू चचा काय को मैं पुसुर पुसुर करूंगा। तुमको ना मुर्गी का टिक्का लेने और दारू की बाटली लेने जा रहा मैं। जा रहा ना, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है ना। जा बेटे। कैसी है बेटी तू, अच्छे से रख रहा ना तेको बुरी गत का। बहुत तकलीफ है बेटा। ये लो चचा। अरे बेबे मुक्कल भी रे। ओ चचा तुम जो बोलने वाले थे, जाने बोले खजाना का पता बताता, कहा है पता। वो मेरी ना जिंदगी भर की कमाई की दौलत है बेटा। हाँ उसका पता मैं तेको बताने वाला था। अच्छा बताओ ना। देख बेटा यानी तेको ना कुछ ज्यादा याद नहीं रहता और धुलक्कड़ है रे तू। टीबल आर याद रखना है। तीन आर टीबल आर। मैं समझा नहीं चचा आगे बोलो। टीबल आर मतलब खजाना रोमियो के पास। रोमियो रोमियो क्या है। रोमियो रोमियो राजा रानी की। आगे आगे राजा रानी और आगे राजा रानी की मिट्टी मिट्टी में मिट्टी मिट्टी बोले। आगे आगे बोलो चचा। अरे इतना बताए टिबल आर आर आर। अरे तेरे चाचा ने और कुछ भी तो बताए थे ना रे। हाँ बताए ना रोमियो के पास राजा रानी सदा भी रोमियो को ढूंढना था। अरे जानी इतनी जल्दी हिम्मत मत हार यार, तेरे चाचा ने बोला था ना कि ये खजाना किसी रोमियो के पास है, हो सकता है कि ये खजाना उस रोमियो के ही पास हो। अभी रोमियो का ढूंढना हमने। अरे तेरे चाचा ने ये भी तो बताया था कि वो खजाना किसी महकती मिट्टी में दफन है। अपने को अब ये सोचना चाहिए कि अब ये महकती मिट्टी है कहाँ। हो सकता है महकती मिट्टी के बारे में रोमियो जानता है जिसके बारे में चाचा ने बताया था। और सोई घूम फिर के रोमियो के पास ही आ गई। जानी अपन ना एक काम करते, इस रोमियो के बारे में ना अपन गांव वालों को पूछते। जानी तुम्हारे गांव में बहुत शांति है। अरे मेरा गांव बहुत भारी है। अच्छा गाँव है मेरा, पक्का दिल लग जाता है यहाँ पे। मेरा नहीं लगा। वो देख वो मोटू आ रहा। मैं कोई ऐसा भी थे का। मोटू से अपन पूछते रोमो के बारे में। बिहार से जगाऊं अगर तुम। ए मोटू रुक तो रे। हाँ जानी ये रुक गया मोटू। वो जानी क्या गांव में। अरे अपने गांव में एक रोमी नाम का आदमी रहता है। अपने गाँव में रोमी नाम का एक आदमी। हाँ रहता ना जानी अपने गांव में रोमी नाम के एक आदमी। पता ना कहाँ रहता रे। अरे जानी ये रोड से सीधा जाना और जाकर राइट में मुड़ जाना, एक आदमी गाते बैठा रहेंगे ना वही है रोमियो। ऐसा ठीक है मोटू चल तारा। रोमियो नाम मेला तोली है काम मेला। रोमियो नाम मेला तोली है काम मेला। अरे अरे तुतले तेरा नाम रोमियो है क्या। मेरा ही नाम रोमियो है। अरे जो मेरे कल्लू चचा ने तेरे पास खजाना रखे थे ना वो खजाना मुझे दे वापस। अरे तोन दे तल्लू थीता और तोन दा दादाना मेरे पास तो ही दादाना उदाना तोली है। अरे चचा ने ना मरते मरते बोले खजाना तेरे पास है और वो खजाना मुझे दे वापस इधर। हाँ वो बोले किसी रोमियो के पास है और रोमियो तू ही है। अबे यार दबली में आंग में मत गूद। अबे मेरे पास तो ही कोई खजाना उदाना है। ए तारा ये मेरा टावर गिरा था ना। देख कह रहे हाँ समझ में आ रहा क्या। अबे खजाना दे। खजाना
अरे 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 मुझे मत मारो, मेरे पास कोई दादा का दादा नहीं है। मुझे मत मारो, मुझे मार डालो। दीदी दीदी मुझे बता ले दीदी, मत मारो। हो सकता है इसको कुछ नहीं पता, हो सकता है रोमियो किसी बिल्डिंग या इमारत का नाम होगा। हाँ तारा तू बिल्कुल सही बोल रही, किसी बिल्डिंग या किसी इमारत का नाम होगा रोमियो। ऐसा अभी बिल्डिंग का नाम देख, घरों का नाम देख, अभी नाम पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलो निकलो फिर। थक गए यार, थकेंगे ना, इतना दूर पैदल लेगी। अरे बंदर का बच्चा, अरे जॉली, अरे मैं बंदर का बच्चा नहीं, अरे अरे इंसान का बच्चा है। अरे आप क्या फाड़ के देख तो। अरे मेरा बाप, ये तो मेरे गांव का आदमी है, मैं पहचान नहीं पाया था। ये तारा जो तुझे पूछना था ना पता, वो पूछना पापा। सुनो ना, यहाँ पे कोई रोमियो नाम का बिल्डिंग या कोई जगह है क्या? हाँ है ना, रोमियो नाम की होटल ना हाईवे के पीछे। और राजा रानी नाम का कोई जगह है क्या? होटल के बाजू में राजा रानी का गार्डन है। देखा जानी, तेरे चाचा ने एकदम सही कहा था, रोमियो होटल के बाजू में राजा रानी गार्डन की महकती मिट्टी में खजाना है। चल जाते, चल चल। तो यही है राजा रानी गार्डन। वाह क्या भारी गार्डन है। चलो ढूंढते खजाना। चलो जानी, अपने को है ना यही कहीं खजाना मिलेगा, सब मिट्टी में ढूंढो। हाँ ऐसा, मेरे चच्चा ने एक पत्ता दे लेना। हाँ चल। तो मेरे चच्चा ने कौन सी मिट्टी बोला तेरे? महकती मिट्टी। अरे 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 अलग ही महक रहा। अरे पागल जानी, गोबर है वो, मिट्टी नहीं। अरे मेरे बाप रे, गोबर है वो, कहीं और ढूंढ। प्यार करते थे, मरते मरते मर गए, बाकी भतीजे के लिए कुछ करके गए, अब उन करोड़पति बन गए इंसान के बच्चे। अबे टिकम पाउडर लाने जल्दी। हाँ ले क्या रहा हूँ। खोदेंगे ना अपुन। वाह मेरे कल्लू चच्चा, खजाना। देख मिला। अरे वाह, ये तारा। अरे खोल उसको। क्या है? उल्टा है वो। हाँ रुकना तारा। ये तारा, इसमें तो चिट्ठी है। अरे डब्बा फेंक, चिट्ठी पढ़। अरे तारा तू तेरे हाथ से पढ़ना, मैं क्या दूसरे पढ़े ले। रुक अभी पढ़ रही हूँ। देख इसमें लिखा है, बेटा जानी दुनिया में बड़ी चीज होती है इज्जत। मैंने तो जिंदगी में पैसे कम और इज्जत ज्यादा कमाया है। बेटा जिंदगी में पैसे के पीछे मत भागना, कमाना है तो मेरी तरह इज्जत कमाना। तुम्हारा कल्लू चाचा। oh, no! बेटा जानी, अब तुझे समझ में आया कि तेरे चाचा ने क्या कमाया था? मेरे को समझ में नहीं आया। अबे बेवकूफ, तेरे चाचा ने इज्जत का खजाना कमाया था और वही तेरे लिए छोड़ के गए। क्या? हाँ मोटू वेपर वाला आया, चलो वेपर ले लो, वेपर आलू वेपर, चालू वेपर आलू वेपर ले लो। ए मोटू इधर आ। बोल जानी भैया, क्या बोल रहा? ए मोटू तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है? अरे जानी भैया एक नंबर चल रहा, मस्त धंधा पानी चल रहा। और तू सुना जानी दादा, तेरा धंधा कैसा चल रहा बा? अरे मोटू मैं बहुत परेशान है, मैंने बकरी का धंधा किया अंदर, महिषा बेचा फेल हो गया। अरे मुर्गी का धंधा किया वो भी अंदर, फिर एक ने मुझे आइडिया दिया, बोले अंडे का धंधा कर। अबे अंडे का भी धंधा किया, पूरी ट्रक पलटी हो गई, पूरा खर्च हो गया मेरे ऊपर। तू मेरा दोस्त है ना बा, ऐसे कोई धंधे की लाइन बता, रातों रात करोड़पति बन जाओ यार। अरे जानी भैया मैं भी तेरी तरह ना बहुत परेशान था, मगर जब मैं कंप्यूटर बाबा के पास गया ना, मेरी धंधे की लाइन बढ़ गई, मेरा धंधा चल पड़ा अच्छे अंदाज में। कंप्यूटर बाबा? अरे कौन है कंप्यूटर बाबा? वो पहुंचे हुए बाबा है, लोगों की ना परेशानी दूर कर देते, उनके पास है ना खजाने का पता भी है।
बहुत से लोगों पे ना उन्होंने खजाने के पता भी बता ले। हाँ अरे तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चलना कंप्यूटर बाबा से मुझे मिला देना यार बाबा। हाँ जानी तेरी परेशानी दूर हो जाएगी बा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। चलना बा चलना बा। चलिए भैया वो बेटे कंप्यूटर बाबा है ना। जोश जोश नहीं तेरा। अरे कंप्यूटर बाबा तो गाने गा रहा चीजें बड़ी मस्त मस्त। ये कौन सा गाना है बाबा, लोग गाने थोड़े गाते। अरे तू चलना तेरा काम बन जाएगा ना, चलना वहाँ तो चल ऐसा चल। नहीं तेरा कोई दोष दोष मत। क्या बाबा बैठ के गाने देख रहे हैं? हाँ जब गिरेक नहीं रहते हैं तो बाबा गाने देखते हैं। अरे बाबा गाना देखना छोड़ो, ये जानी भैया को देखो, ये बहुत परेशान है। हाँ चल बच्चा मुंह खोल। मुंह खोल मतलब मुंह से बोल। बाबा मैं बहुत परेशान है बाबा, जो भी धंधा करता अंदर हो जाता, मेरा बुरा वाटल हो गया। मेरी पहली औरत शादी की थी, वो दूसरे के साथ भाग गई, फिर दूसरी भाग गई, फिर मैंने तीसरी औरत थे बाबा उससे फांसी ली बाबा, मैं बहुत परेशान है बाबा। बच्चा तू परेशान नहीं, परेशानी का गोडाउन है बच्चा। बाबा मेरे गोडाउन का इलाज करना बाबा। हो जाएगा हो जाएगा, 1000 रुपये दे बच्चा। ऐसा बाबा देना पड़ता है 1000 रुपये, दे दे 1000 रुपये तेरा काम हो जाएगा बाबा। ये लो बाबा 1000 रुपया। तू 1000 रुपया दिया, तुझे मैं अली बाबा के खजाने का पता दूंगा। नाम बोलो बच्चा। मेरा नाम शेख यूनुस शेख रमजान, गुलशेर नगर, गली नंबर 8, घर नंबर 1375, एक बीवी, उसके 4 बच्चे, एक लड़की, फिर एक बकरी है, बकरी के 3 बच्चे, एक सफेद है, एक काली है, और बिल्ली की डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी में मैं तुमको बुला लूंगा। मेरा नाम असली उर्फ पहचानी, क्या बोलती पब्लिक। ये तेरा नाम है बच्चा, बाप का नाम मत बोलना बच्चा। बाबा बिगड़ बाप का है मैं। एक काम करो बाबा, तुमने मेरे से 1000 रुपये लिए ना, अब खजाने का पता बताओ कहाँ है। खजाने का पता मैं नहीं बताऊंगा बच्चा, खजाने का पता KGF बताएगा। अब ये कौन है बाबा? KGF को नहीं पहचानता? KGF बोले तो खानदेश का गूंगा फकीर, यानी कि KGF। अरे बाबा वो खानदेश के फकीर को जल्दी बुलाओ ना। हाँ बुलाता हूँ बच्चा, घाई मत कर, घाई का काम छोटे का काम होता है। आ जा तुझको पुकारे लिपटो बाबा, आ जा। अरे वाह क्या बाबा बोले, आ जा सही में आ गया, क्या बात है मोटू अच्छी जगह पे लाया। ये है खानदेश का गूंगा फकीर, ये तुझे अली बाबा के खजाने का पता बताएगा, मगर एक शर्त है बच्चा। क्या शर्त है बाबा? ये फकीर तेरे साथ 6 दिन रहेगा, जो मांगेगा वो देना, जो खाएगा वो खिलाना, 7वें दिन वो अपना मुंह खोलेगा और खजाने का पता बोलेगा। क्या बात है बाबा, पता बोलेगा बाबा? हाँ जरूर बताएगा। चलो KGF जा फकीर जा, 6 दिन मस्त तो खा पी और 7वें दिन मुंह खोल, अरे बच्चे का काम तमाम कर दे। आ आ, आ, आ। ऐसा पानी पीऊंगा, दूध पीऊंगा, ऐसा ठंडी लस्सी पीऊंगा ना। अरे मेरे बाप रे, दारू पीऊंगा। अरे मेरे बाप रे, वो बाबा ने गुंगा फकीर दिया क्या, बेवड़ा फकीर दिया। ठीक है बाबा तू दारू मांग रहा था दारू पिलाता, चल मेरे साथ। ए गुंगे फकीर, अरे अच्छा चलना। अरे बाप रे बाप, अबे एक बाटली बोला था, 2-4 बाटलियां पी लिया हालत के हिसाब से। अरे मेरे बाप, ऐसा भूख लगी, दाल चावल खाएगा, फिर मुर्गे का गोश्त खाएगा, अरे फिर बकरे का गोश्त खाएगा। अरे मेरे बाप रे क्या करना, एक काम कर, मेरा फेफड़ा खा ले गया। अरे तो मेरा दोनों किडनी खा डाल, कलीजा खाता मेरा।
अरे बाप क्या मुसीबत है, चलो वेपर ले लो वेपर। अरे मेरा बाप, अरे कब से भेजा मारी कर रहा था तो बोलना था ना मुझे ये पर खाने का। अरे मेरे बाप, ये तो गूंगा है कैसा बोलेंगे जानी। ये मोटो, अरे इधर आ रहे। अरे इसको ये पर दे रहे मेरे भाई, ये पर मांग रहा वो खजाने के चक्कर मुझे खुद पागल बन जाऊंगा मैं। जा पैसे बाद में लेना तू जा। अरे बाप रे, इसको अपन खिला रहे पिला रहे, अबे दारू भी पिला रहे। जब तक अली बाबा का खजाना मुझे मिलता नहीं ना, जब तक इसको झलना ही पड़ेगा जानी। मेरे तीन मुर्गियां खा गया, बात का माल समझे, चल बात का माल समझे। तीन मुर्गियां खा गया जानी उठा के लाया देखो, चल चल तीन मुर्गियां खा गया जानी। ओ जानी, दो हजार का मुर्गिया खा लिया तूने। चल इधर आ रहे। अरे बाप, ये अली बाबा के चक्कर में मेरा खिसा खाली कर दे रहा। किधर है धन, का है धन? अरे बापू धन तो बता पा रहे। ए बाबा, कौन सा बाबा दे रहे तूने मेरे पास, कौन सा? अरे जानी, मैंने सुना कि खानदेश का कोई गुंगा फकीर लेके घूम रहा है, तू उसको खिला रहा है। तू क्या कर रहा है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए तारा, तूने सही सुनी, मुझे एक बाबा ने एक गुंगा फकीर दे ला है, मैंने उसको 6-7 दिन खाना खिला, वो मुंह खोलेगा और तुझे अली बाबा का पता बताएगा और वहाँ खजाना खजाना निकलेगा। तू सही बोल रहा है, वो फकीर अली बाबा का पता बताएगा? तारा, वो लैपटॉप वाले बाबा है ना, वो झूठ नहीं बोलते, जो बोलते ना वो सही बोलते। ऐसा सुन ना जाने, मुझे भी वो गूंगे फकीर से मिला देना प्लीज। अरे तारा मिला दूंगा ना, एक केजेब आया देख, ये है गूंगा फकीर। अच्छी ना, अरे बाप रे क्या बोल दिया इसने, क्या बोला इसने? बोले मैं इसके साथ डांस करूंगा। बोले मैं नहीं करूंगी इसके साथ डांस वांस। ए तारा कर लेना बाबा, अगर तू इसके साथ डांस नहीं करेगी ना तो खजाने का पता नहीं बताएगा। देखना अरे तू नकली आयरिंग पहन रही, जब खजाना मिलेगा ना अरे सोने से मरा दूंगा मैं तुझे, आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा मेरा। इतनी बेइज्जती क्या कर रहा है, कर रही हूँ डांस। ए जानी, अपने पास टेप भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं, एक काम करते अपन ही गाना गा लेते। अरे कटिन घोंगड़े घेऊ द्या की रे, माला विसतऱ्याला येऊ द्या की रे, देवाचे दर्शन घेऊ द्या की रे, अरे कांदा न भाग कर खाऊ द्या की रे, माला विसतऱ्याला येऊ द्या की रे। जानी, ए जानी बाहर आ। अरे बाप रे, तारा आ गई। क्या बात है तारा, रात भर तू भी नहीं सोई क्या? अरे रात भर मैं भी नहीं सोया। ए जानी, आज 7 दिन पूरे हो गए, वो गूंगे फकीर को बाहर बुला और उससे खजाने का पता पूछ, हम खजाना लेने जाएंगे। देख मैं 2 मजदूर साथ में लेके आई हूँ। अरे वाह तारा, खजाने के चक्कर में तू भी रात भर नहीं सोई और मैं भी रात भर खजाने के चक्कर में नहीं सोया। आ गया केजब। अरे मेरे बाप, कल आ वो कर रहा, अरे आज का 7वां दिन है, अरे खजाना कहाँ है बताता कुछ? अरे मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे बाप रे, बोलने लग गया तारा, इसका मतलब खजाना आपने मिल जाएगा, चल तू भी मेरे साथ, चलो रे। अबे गुंगा फकीर, खाली चलते चलते यहाँ आ गए, अबे खजाना कहाँ है इतना बता, क्या पहाड़ पे चढ़ाए ना हमको? ये पागल, ये जो पहाड़ दिख रही ना, तो यहाँ से वहाँ तक खोद, इसके नीचे से खजाना मिलेगा। क्या? हाँ। अरे बेबे, अबे यार जा रहा लाइन से दबा यार।
तू ऐसा लगता ना मेरे को कि मेरे को गुदगुदी कर रहा। अरे कल्लू साहेब, तुम्हारी बॉडी लई छान आए हो। लई छान बोले तो? अबे क्या मेरी बॉडी छान छान करती क्या? अरे नहीं साहेब, तुम्हारी बॉडी एकदम भारी है। अबे यार यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा आईडी में बोलता कुछ और मैं समझता कुछ। अबे तू ना हिंदी बोला कर। ठीक है साहेब। अबे यार अब वही हाथ दबा दबा के तोड़ डाल तू। अबे ये वाला भी दबा जा रहा। और मैं क्या बोल रहा, वो मास्टर आया नहीं क्या अभी तक? समूर बागा साहेब, मास्टर ये तो आन दे मास्टर को आज। आज तो ये मास्टर की लाइन ही लेता मैं। नमस्ते साहेब। अबे नमस्ते उमस्ते बाद में करना, मेकू एक बात बता, वो नीची जात वाले पोरिया को 5 मार्कस ज्यादा दिया और मेरी बेटी तारा को 5 मार्कस कम दिया। oh, no! ऐसा क्यों किया बे तू? शायद दरअसल बात ये कि वो लड़की का पेपर अच्छा था और तारा का पर्चा खराब था। अबे तेको स्कूल में नौकरी किसने दिया बे? कल्लू बनारसी ने। ठाकुर है मैं ठाकुर, और तू 2 टके का मास्टर होके मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। बोले गलती हो गई, चल जा और फिर से रिजल्ट बना और पूरा 100 का 100 मार्कस मेरी बेटी को देना, नहीं तो सोच लेना फिर। चल निकाल, काम कर अपना। अरे साहेब प्याला डो का नहीं है। प्याला काय का प्याला? अरे साहेब मैं प्याला नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था उसको दिमाग नहीं है। अबे यार तेको कितनी बार बोला तू हिंदी में बोला कर, मेरे को मराठी नहीं समझती नहीं समझती नहीं समझती। लगा दिया दिमाग को टेंशन। शिट यार, ये गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। डैडी, ओ डैडी। क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी जोर जोर चिल्ला रही? देखो ना डैडी, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात? दत्ता वो बबलू मैकेनिक को फोन कर, बोलना तारा की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। नहीं, वो बबलू मैकेनिक को मत फोन लगाओ। क्यों? वो काम अच्छा नहीं करता है। जानी मैकेनिक को फोन लगाओ, जानी मैकेनिक को। अरे बेटी तारा, वो जानी मैकेनिक ना नीची जात का है, नीची जात का। अरे डैडी कौन सा मुझे उससे शादी करना है, लगाओ ना फोन प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है। अरे साहेब बेबी सही बोल रही, जानी मैकेनिक को बुला दो, एक नंबर मैकेनिक है। चल लगा दे फिर फोन, बुला ले उसको ही। हाय तारा। हेलो, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, क्या हुआ तेरी गाड़ी को? मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, अपन 4 दिन से मिले नहीं थे ना, इसलिए बहाने से मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया। और मुझे ये बता, कहाँ था तू 4 दिन से? अरे मेरे मौसी का मामा है ना, उसके पोड़े की शादी थी और मैं शादी में गया था, इससे मैं तेरे से मिल नहीं पाया। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे साहब टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा नाम बोला ना, अरे झट से पैसे दे दिया निकाल के उसने। अरे मेरे बाप रे तारा, तेरा बाप इतना दूर खड़ा है बाकी घूर घूर के मुझे देख रहा। अबे जानी गाड़ी बनी क्या? हाँ साहब बना रहा। देख तेरे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा, अच्छी भला गाड़ी है उसको जबरी बनाना पड़ रहा। हट। ये ले तेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। आ चल निकलूं मैं। अरे जा कहाँ रहा है, जाते जाते मेरे लिए गाना तो गा के जा। कौन सा गाना? अरे वही गाना जो तू मुझे देख के हर बार गाता है। अरे तारा मरेंगे क्या? देख तेरा बाप इधर तो पहले घूर घूर के देख रहा था। तू मेरे लिए मर नहीं सकता, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते वो प्यार करते नहीं। अच्छा ये बात है। अरे जानी गाना गा के रहेगा। कल्लू की पोरी निराली, जानी भी डुलाया लगला। 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 दिखने में तू गोरी चट्टी लेकिन दिल की काली,
फिर भी ये दिल तुझ पर आया है तारा दे ताली। ए दिखने में तू गोरी चट्टी लेकिन दिल की काली, फिर भी ये दिल तुझ पर आया है तारा दे ताली। धक धक कराए लगला, धक धक कराए लगला, कल्लू की पोरी निराली जानी भी डोलाए लगला, कल्लू की पोरी निराली जानी भी डोलाए लगला, कल्लू की पोरी निराली जानी भी डोलाए लगला। क्या बे क्या नाच गाना मचाया यहाँ पे? अरे मुझे तारा ने बोली गाना गा और मैंने गा दिया। अबे मैं ना ठाकुर है, मेरे घर में नाच गाना चलता नहीं, समझा ना? जाके अपने घर पे नाच गाना करना। गाड़ी बनाया क्या? साफ बन गई गाड़ी। पैसे कितने हुए? 200 रुपया बस। ये 200 उधार निकाले यहाँ से। साफ यानी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्यों बे अमिताभ बच्चन है क्या तू? बोले फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। साहब मैं अमिताभ बच्चन नहीं, बाकी जानी लो रहे। दे पैसे दत्ता। जब देखो जब पैसे कहीं भी फेंक देते मैं कुछ उठाना पड़ता। ये ले रहे पकड़ और निकल तो यहाँ से। साहब चलता मैं, कल मिलूंगा। कल मत मिल, जब गाड़ी बिगड़ेगी जब मिलना। साहब गेट उधर है। प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। हाँ प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। हाँ प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। तारा प्यार हमारा गाँव में अपने हित है। तू ही मेरा चांद सितारा तुझसे ही टाका फिट है। यू ठंडी आह ना भरो चल तक दिन करो। यू ठंडी आह ना भरो चल तक दिन करो। अरे प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। ए, 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 प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। और प्यार में तक दिन करो चल तक दिन करो। तारा तब तक आप तक दिन करते रहेंगे? अपनी शादी कब होगी रे? अरे मेरे जानी होगी ना, तू टेंशन मत ले। टेंशन तो लेना ही पड़ रहा ना, कुछ तेरा बाप है ना कल्लू, रात दिन जात पात की बात करता तो शादी कैसे होगी मेरी? अले दानी, अले तू टेंशन मत ले ले, पहला बाप और उत्ता बाप दोनों ये लिखते तू कबूल ता लेने। वो दोनों हमारे इससे कबूल कब करेंगे? जब तुम दोनों गलत बोलते बात नहीं तब। ओह नो। अरे लेकिन हम लोग घर छोड़ के भागे क्यों? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब दाद बिलादरी का मामला रहता ना तो प्याल तनने वाले तू दल धोलते भादना पलता, और एक दिन तुम दोनों भी वही तले नहीं। अबे अजीब दो से तू भागने की भविष्यवाणी बता रहा। अले दानी दो दिन मिली भविष्यवाणी तही होंगी ना, उस दिन तुम दोनों में तू याद तले नहीं। दत्ता बहू तू कुछ भी कर यार, ये बियर है ना एक नंबर है। अरे नमेटी काम विस्की एक नंबर से, पर मी का संग तो तुला। अरे सांगा ना भाऊ, अरे सुंदरा मैं चले बाता। अरे नमेटी काम मैंने सुना जानी का और तारा का कुछ चक्कर चल रहे है। अरे दत्ता भाऊ ये चक्कर वक्कर कुछ नहीं है यार, ये तो अजीब प्रेम कहानी है, ऊंची जात की तारा और नीति जात का जानी, और दोनों मिलकर ना गुटोर घूम कर रहे। अरे दोनों ना गाना गाते फिर रहे। अरे मालूम है क्या तीको? ये महिला ये बात ही क्या? ये नाम है टीकम चल में जाता है। हाँ अरे यार ये दत्ता बहु ना दोनों को प्रेम कहानी सुन के चलती भी रहेगा यार। दत्ता एकदम ईमानदारी से बता, तू सही बोल रहा ना? अरे साहेब मैं एकदम सच्ची बोल रहा, आई शपथ। ये ऊंची जात की लड़की तारा और वो नीची जात का लड़का जानी एक दूसरे के साथ गुटरगु 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 कर रहे।
साला ये जानी का ना कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो कौन? कल्लू बनारसी बोल रहा मैं। हाँ साहब बोलो, क्या काम निकाला? तुझे एक मटर करना है। मरने वाले का नाम तो बताइए साहब। उसका नाम जानी है, नीची जात का छोकरा है। उसे मारने का तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। ठीक है साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा। हेलो। बोल तारा, क्या बोल रही? मैं ना बैग में कपड़े डाल के तुम्हारे पास आ रही हूँ। तारा लेकिन हुआ क्या, कुछ बताती? हम दोनों ना गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। अरे मेरे बाप रे, तारा तू भागने का बोल रही? तोतला की भविष्यवाणी सही हो गई। वो मैं तुझे आगे बताऊंगी, चल अभी फोन रख। यानी गाड़ी रोक रहे क्या दत्ता भाऊ? अरे तारा को लेके किधर जा रहा तू? तारा को लेके मैं भाग रहा। अरे मेरे बाप रे, यानी रुक रुक रुक, भाग गया। अब मेरे को ना जाके साहब को बोलना पड़ेगा। ये निचली जात का यानी उसी जात की तारा को लेके भाग गया। चलो बोलता। परसुलाल, तेरा जानी मेरी तारा को लेके भाग गया है। मैं ते को छोड़ूंगा नहीं। कहा है? बोल बोल कहा है? अरे बाप तक्का, मेरे हाथ में बहुत जोर जोर लग रही। डंडा ला। बोल कहा है? बोल बोल कहा गया? मेरी पूरी को लेके कहा गया? अरे बोल रे बोल रे, बोल कहा गया? साहब मैं मानता मेरे पूरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं माफ करूंगा। बोल कहा गया? लग रही ना, मेरे भी दिल पे लग रहा। बोल कहा गया? बोल कहा गया? बोल कहा गया? मैं ते को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक का तू ये नहीं बोलेगा कि जानी तारा को लेके कहा गया। बोल। तारा को लेके औरंगाबाद गया मेरी बहन के घर। औरंगाबाद। मैंने बोला ताला दादी, तुम दोनों थी दादी बात नहीं होंगी। सही बोला तूने, और तेरी भविष्यवाणी ना एकदम सही निकली। अरे तल्लू जेठ और पलटू ताता, अरे तुम दोनों ले दो दे। अरे ये दोनों ने शादी डाल ली है। अगर मैं नहीं मानता है शादी को। मैं भी नहीं मानता ये शादी को। लेकिन मैं मानती हूँ। तारा डैडी, आप लोग मानो या ना मानो, हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। और अगर आप दोनों ने हम दोनों को अलग करने की कोशिश भी की ना, तो आप दोनों को जेल हो जाएगी। हाय गाइस, तो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है जानी का सैराट। तो गाइस हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।